हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है किसी का भाई किसी की जान जिसको के के बी के के जे या के बी के जे नाम से भी जाना जाता है तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके बारे में जानकारी देंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का साउटेंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं किसी का भाई किसी की जान जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये फिल्म तमिल फिल्म विरम का रीमेक है जहाँ पे सेम टू सेम रीमेक तो नहीं है स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो सेम है लेकिन उसमें 2023 के हिसाब से चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि विरम 2014 में रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में वो भी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा डिरेक्ट किया हुआ था शिवा ने वहीं पर लीडरल में अजीत कुमार तमन्ना भाटिया थे इसके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट थी विरम बॉक्स ऑफिस पे करीबन काफी बड़ा कलेक्शन किया हुआ था पैंतालीस करोड़ के बजट की फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स

एम डी श्रीधर ने लिखा हुआ था दर्शन तो गुरदीप लीड रोल में थे उनके अपोजिट सना थी मैया ने को कास्ट किया गया था देवराज और पी रविशंकर को भी इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट सक्सेस हासिल की हुई थी एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि जो वीरम या कटम राइडू है या ओडिया तीनों के राइट से वो फिलहाल में गोल के ही पास है और ये तीनों फिल्म तीनों फिल्मों को उन्होंने हिंदी डब करवाया हुआ है सेम नाम के साथ जहाँ पे वीरम को वीरम दी पावर नाम दिया हुआ है कटम राइडू का नाम सेम है ओडिया का भी नाम सेम रखा हुआ है और ये सभी वर्जन फिलहाल में ऑफिशियली गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देख सकते हो किसी का भाई किसी की जान के बारे में बातचीत करें तो फिल्म को डेरिक किया हुआ फराज शाम जी ने हिंदी अडेप्टन है वो फराज शाम जी स्पर्श खेतरपाल और सा हमर ने मिलकर किया हुआ है डायलॉग स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन है वो फराज समझी ने किया हुआ था इसके अलावा सलमा खान के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वैसे इस फिल्म को पहले नडियाद वाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट के नीचे प्रोड्यूस किया जाने वाला था उनके पास जिगर थंडा और वीरम दोनों फिल्म के राइट थे जहाँ पे जिगर थंडा को बाद में उस फिल्म को बच्चन पांडे के नाम से बनाया गया था जिसको भी फराज साम ने ही डिरेक्ट किया था जहाँ पे उस फिल्म का नाम पहले लैंड ऑफ लुंगी था वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी और उसी समय के दौरान सलमान खान और फराज शाम जी के बीच में कुछ बातचीत बातचीत हुई थी कि वीरम फिल्म की कहानी को यहीं रोक देते इसके ऊपर हम फिल्म नहीं बनाते लेकिन सलमान खान को उसके ऊपर फिल्म बनानी थी इस वजह से उन्होंने नडियादवाला के पास से सारे राइट्स खरीद लिए रेमिक के राइट्स और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से नडियादवाला वॉकआउट हो गए सलमान खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया जहां पे सलमा खान उनकी माँ के द्वारा सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया गया उसके बाद में फिल्म को कभी कभी दिवाली नाम के साथ अनाउंस किया था 10 जनवरी 2020 को उसके बाद में इस फिल्म को काफी लंबा पोस्टपोन किया गया था कोविड के बीच में फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी चीजें पोस्टपोन हो रही थी फिल्म को फिर से भाईजान नाम के टाइटल के साथ रिवाइव किया गया और उसके बाद में अगस्त दो में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला किसी का भाई किसी की जान फिल्म नाम से आने वाली है तो इस तरह से मल्टीपल चेंजेस हुए इससे पहले काफी सारी ऐसी चीजें हुई कि फिल्म बन होने के कगार पर थी लेकिन फिर भी फिल्म को बना के रिलीज किया गया था तो इस तरह से फिल्म के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश जगपति जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे जिसमें इस फिल्म के कास्टिंग है पूजा हेगड़े को फीमेल लीड के तौर पे फरवरी 2020 में ही कास्ट कर लिया था दिसंबर 2021 में वेंकटेश ने ज्वाइन किया हुआ था सेट को क्योंकि चीज़ें बार बार पोस्टपोन्ड हो रही थी तो एक्टर्स भी कास्ट नहीं किए गए थे और तकदीर वाला जो नाइनटीन में फिल्म आई थी जिसमें वेंकटेश लीड रोल में थे तो उस फिल्म के बाद उनका हिंदी सिनेमा में एज अ कम्बे के तौर पर फिल्म थी उसके बाद में जैसे सिद्धार्थ निगम राघव जुआल को सलमान खान के भाइयों का रोल दिया गया पंजाबी सिनेमा में जो काम कर रही एक्ट्रेस गिल उनको भी इस फिल्म में काम दिया गया था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया गया उसके बाद में इस फिल्म में रामचरण ने एक अपना स्पेशल अपीर भी दिया हुआ था तो इस फिल्म के साथ इस तरह से काम किया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो बारह मई दो को मुंबई से स्टार्ट की गई थी उसके बाद में जून महीने में प्रोडक्शन को हैदराबाद में ले जाया गया अगस्त दो में वहाँ पे गाना शूट किया गया था इसके अलावा कुछ पोस्टन थे वो लद्दाख में भी शूट किए गए थे उसके बाद में फरवरी 2023 तक फिल्म को रेपअप किया गया उसके बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम किया गया था जहाँ पे 2022 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे पिछली कुछ फिल्मों के राइट्स किसी सलमान खान की सभी फिल्मों के जो राइट्स है वो सी के द्वारा ही खरीदे गए तो यहाँ पर भी म्यूजिक के राइट्स उनके द्वारा खरीदे गए थे गानों की लेंथ करीबन सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड थी फिल्म में करीबन आठ गाने थे पहले गाने का नाम था यंतम्मा जिसके लिरिक्स सबीर अहमद ने लिखे हुए थे म्यूजिक पायल देव ने दिया हुआ था सिंगर विशाल ददलानी पायल देव रफ्तार थे बिल्ली बिल्ली गाने के लिरिक्स कुमार और विकी ने लिखे हुए थे सुखबीर ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने गाया हुआ था नैय लगता वाले गाने के लिरिक्स सब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे हिमेश के द्वारा म्यूजिक दिया गया था पलक मुचल कमाल खान के द्वारा गया गवाया गया था वो बल्ले बल्ले गाने को कुमार ने लिखा हुआ था सुखबीर का म्यूजिक था किरण कबीर टीम पी सुखबीर ने मिलकर उसको गाया हुआ था जी रहे थे हम फॉलिंग इन लव जो गाना था उसको सब्बीर अहमद ने लिखा था माल मलिक के द्वारा म्यूजिक दिया गया था सलमान खान ने उसको गाया हुआ था लेट्स डांस छोटू मोटू को देवी श्री प्रसाद ने उसके म्यूजिक और लिरिक्स में काम किया हुआ था एज अ सिंगर के तौर उन्होंने गाया भी था उनके साथ सलमान खान यो हनी सिंह नेहा बसी ने भी उस गाने को गाया था तेरे बिना करके जो गाना था उसको साजिद खान ने लिखा हुआ है म्यूजिक भी उनका ही था और साजिद वाजिद के द्वारा उसको गवाया गया था वहीं पे बात उत्मा करके जो गाना था उसको सबीर अहमद रवि बसरूर किन्नर राज और हरिनी इवातोरी और रवि बसुर ने म्यूज़िक दिया हुआ था इसके अलावा संतोष वेंकी आयरा उडुप्पी हरिणी युवा सोचे था बसरो विजय लक्ष्मी मेथा हल्ले उसको गाया हुआ था तो इस तरह से आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड इन सभी गानों के रेड जी म्यूज़िक कंपनी के पास से जिन्होंने बीस अप्रैल दो को इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में से साउंड ट्रेक के तौर पर ऑफिशियली यूट्यूब पर और उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ किया था अगर फिलहाल में गाने आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री मेस सुन सकते हो दूसरे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो वी मणिकंदन ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है एडिटिंग मयूरी सावंत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट लंबी फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था वहीं पर म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर पूरा फिल्म का रवि बसुर ने किया हुआ है इसके अलावा सिंगल सिंगल गाने कई म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए जहां पे रवि बसुर हिमेश रेशमया साजिद खान सुखबीर पायल देव देवी श्री प्रसाद अमाल मल अमाल मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 132 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट था वो जी स्टूडियो के द्वारा करवाया गया था उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी अब कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया हुआ है यानी कि भाईजान का पूजा हेगड़े ने इस फिल्म में गुंडा मेनी भाग्य लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्णन की सिस्टर और भाईजान का लव इंटरेस्ट है वेंकटेश ने इस फिल्म में गुंडा मेनी बालाकृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है जो राउट अन्ना का रोल था वो भी उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भाग्या के एल्डर ब्रदर है भूमिका चावल का, का रोल और जगपति बाबू ने कोडाति नागेश्वर जुअल इसके रोल में दिखाई देंगे जो भाईजान के भाई का रोल था जेसी गिल ने भी मोह का रोल प्ले किया हुआ है वो भी भाईजान के एक भाई का ही रोल था सिद्धार्थ निगम ने लव का रोल प्ले किया हुआ है जो, जो भाईजान के भाई का रोल है शेहनाज गिल ने इसमें सुकून का रोल प्ले किया हुआ है जो इसका लव इंटरेस्ट थी वहीं पे पलक तिवारी ने मुस्कान का रोल प्ले किया हुआ है जो मोह की लव इंटरेस्ट थी इसके अलावा इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आई थी जिन्होंने चाहत का रोल प्ले किया हुआ है जो लव लव की इंटरेस्ट थी वहीं विजेंद्र सिंह ने इसमें महावीर के तौर पर एंटागोनिस का रोल प्ले किया हुआ है सतीश कौशिक आपको नदीम चाचा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा आसिफ शेख ने डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है तेज सप्रो आपको इंस्पेक्टर के रोल में दिखाई देंगे अभिमन्यु सिंह ने त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरानी कोडा थी रामेश का रोल दिया गया था जो नागेश्वर के फादर का रोल था अमित तिवारी आपको कोड़े थे रोल में दिखाई देंगे जो का सेकंड बेटा था नागेश्वर का यंगर ब्रदर था वहीं पर रोहिणी हतांगदी ने इसमें कुंडा मेनी जली का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्ण और भाग्यलक्ष्मी के माँ का रोल है फराज शाम ने इसमें फोटोग्राफर का रोल प्ले किया वेडिंग फोटोग्राफर के रोल में दिखाई देंगे भाग्यश्री आपको स्पेशल अपीरेंस देती हुई नजर आएगी एज ए भाग्या के तौर पे जो भाईजान का फॉर्मल लव इंटरेस्ट का रोल था अभी मनु दस्तानी स्पेशल अपीरेंस में दिखाई देंगे उनके अलावा उनके फादर यानी कि हिमालय दस्तानी भी इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस में दिखाई देंगे रामचरण एक कैमियो अपीरेंस दिया हुआ है एज अ राम के तौर पर यह तम्मा गाने में इसके अलावा यो हनी सिंह एक कैमियो अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे लेटू मोटू गाने के लिए तो इस तरह से इस फिल्म के आर्टिस्ट ने इसमें अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी फिल्म के टीजर को करीबन पच्चीस जनवरी दो को पठान के फिल्म के साथ रिलीज के साथ रिलीज

5,700 स्क्रीन्स लेवल पे फिल्म को मिली फाइव थाउजेंड से ईद के मौके के ऊपर इक्कीस अप्रैल दो को थिएटर में रिलीज किया फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे करीबन सैंतीस हजार वोट मिले जिसमें छह पॉइंट छह की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म का एक मॉडरेट काइंड ऑफ बस था जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने पंद्रह करोड़ इक्यासी लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे दिन इस फिल्म ने एक अच्छा खासा जंप लिया था करीब परसेंट जितना जंप लिया था जहां पे सलमान खान के फैंस ईद के मौके के ऊपर सेटरडे के दिन इस फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दिलवाया पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन ये कलेक्शन और बड़ा सलमान खान की फैन फॉलोइंग के चलते छब्बीस करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने मंडे के दिन जो एक 个。Uh अच्छा एक ऐसा दिन माना जाता है उसके बाद पता चलता है कि फिल्म कहाँ तक जा जाएगी वहाँ पे भी इस फिल्म ने जो फ्राइडे का, का कलेक्शन था उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन किया पंद्रह सोलह करोड़ फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे मंडे के दिन फिल्म ने दस करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन छः करोड़ बारह लाख का वेनरडे के दिन चार करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया थर्डे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का इसके साथ इस फिल्म ने पहले वीकेंड में अड़सठ करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में बानवे करोड़ इक्कीस लाख का कलेक्शन किया दूसरे

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहां पे फिल्म का जो बजट था वो 132 करोड़ था तो ये बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहां पे सलमान खान ने कोविड के बाद जो एक फिल्म रिलीज की उसके बाद में उनकी एक फिल्म की, फिल्म की है है, तो एक सक्सेसफुल फिल्म 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 कह सकते हैं तो डिसेंट सक्सेस के साथ रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर चल गई उसके बाद में इस फिल्म के ओ टी टी जैसे कि मैंने कहा कि कई फिल्मों के जी के द्वारा ही खरीदे गए तो इस फिल्म के भी ओ टी टी सेटेलाइट जी स्टूडियो के ही पास से ओ टी टी सेटेलाइट सभी राइट सी के पास थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आपने किसी का भाई किसी की जान फिल्म नहीं देखी और अगर देखना चाहते हो तो फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो तो और इसके अलावा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी के ऊपर किसी का भाई किसी की जान फिल्म को आप आसानी से हिंदी वर्जन में प्रीमियर प्रीमियर होते हुए इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान ये फिल्म अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी सिनेमा जी सिनेमा आई टी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो किसी का भाई किसी की जान जो दो हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये फिल्म तमिल फिल्म विरम का रीमेक है जहाँ पे सेम टू सेम रीमेक तो नहीं है स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो सेम है लेकिन उसमें 2023 के हिसाब से चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि विरम 2014 में रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में वो भी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा डिरेक्ट किया हुआ था सिवा ने वहीं पर लीड रोल में अजित कुमार तमन्ना भाटिया थे इसके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट थी विरम बॉक्स ऑफिस पे करीबन काफ़ी बड़ा कलेक्शन किया हुआ था पैंतालीस करोड़ के बजट की फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स

स्क्रीन प्ले डिर एम डी श्रीधर ने लिखा हुआ था दर्शन तो लीड रोल में थे उनके अपोजिट सना थी मैया ने को कास्ट किया गया था देवराज और पी रविशंकर को भी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट सक्सेस हासिल की हुई थी एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि जो वीरम या कटम राइडू है या ओडिया तीनों के राइट्स है वो फिलहाल में गोल के ही पास है और ये तीनों फिल्म तीनों फ़िल्मों को उन्होंने हिंदी डब करवाया हुआ है सेम नाम के साथ जहाँ पे वीरम को वीरम दी पावर नाम दिया हुआ है कटम राइडू का नाम सेम है ओडिया का भी नाम सेम रखा हुआ है और ये सभी वर्जन फिलहाल में ऑफिशियली गॉलमाइन्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देख सकते हो किसी का भाई किसी की जान के बारे में बातचीत करें तो फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ फ़राज शाम जी ने हिंदी एडप्टेसन है वो फ़राज सामजी जी खेतरपाल और ताशा भमरा ने मिलकर किया हुआ है डायलॉग स्क्रिप्टिंग और डिरेक्शन है वो फराज सामजी जी ने किया हुआ था इसके अलावा सलमा खान के द्वारा फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वैसे इस फिल्म को पहले नडियाधवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट के नीचे प्रोड्यूस किया जाने वाला था उनके पास जिगर ठंडा और वीरम दोनों फिल्म के राइट थे जहाँ पे जिगर ठंडा को बाद में इस फिल्म को बच्चन पांडे के नाम से बनाया गया था जिसको भी फराज शाम जी ने ही डिरेक्ट किया था जहाँ पे उस फिल्म का नाम पहले लैंड ऑफ लुंगी था वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी और उसी समय के दौरान सलमान खान और फराज शाम जी के बीच में कुछ बातचीत बाच्ची, बातचीत हुई थी कि वीरम फिल्म की कहानी को यहीं रोक देते इसके ऊपर हम फिल्म नहीं बनाते लेकिन सलमान खान को उसके ऊपर फिल्म बनानी थी इस वजह से उन्होंने नडियादवाला के पास से सारे राइट्स खरीद लिए रेमिक के राइट्स और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से नडियादवाला वॉकआउट हो गए सलमान खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया जहाँ पे सलमान खान उनकी माँ के द्वारा सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया गया उसके बाद में फिल्म को कभी कभी दिवाली नाम के साथ अनाउंस किया था दस जनवरी दो 2020 को उसके बाद में इस फिल्म को काफ़ी लंबा पोस्टपोन किया गया था कोविड के बीच में फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी फिल्म को फिर से भाईजान नाम के टाइटल के साथ रिवाइव किया गया और उसके बाद में अगस्त दो में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला किसी का भाई किसी की जान फिल्म नाम से आने वाली है तो इस तरह से मल्टीपल चेंजेस हुए इससे पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि फिल्म बन होने के कगार पर थी लेकिन फिर भी फिल्म को बना के रिलीज़ किया गया था तो इस तरह से फिल्म के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश जगपति जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे जिसमें इस फिल्म के कास्टिंग है पूजा हेगड़े को फीमेल लीड के तौर पे फरवरी 2020 में ही कास्ट कर लिया था दिसंबर 2021 में वेंकटेश ने ज्वाइन किया हुआ था सेट को क्योंकि चीज़ें बार बार पोस्टपोन हो रही थी तो एक्टर्स भी कास्ट नहीं किए गए थे और तकदीर वाला जो नाइनटीन में फिल्म आई थी जिसमें वेंकटेश लीड रोल में थे तो उस फिल्म के बाद उनका हिंदी सिनेमा में एज कम्बे के तौर पर फिल्म थी उसके बाद में जैसे सिद्धार्थ निगम राघव जुएल को सलमान खान के भाइयों का रोल दिया गया पंजाबी सिनेमा में जो काम कर रही एक्ट्रेस नाजिल उनको भी इस फिल्म में काम दिया गया था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया गया उसके बाद में इस फिल्म में रामचरण ने एक अपना स्पेशल अपीरियंस भी दिया हुआ था तो इस फिल्म के साथ इस तरह से काम किया गया था जहां पर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो बारह मई दो को मुंबई से स्टार्ट की गई थी उसके बाद में जून महीने में प्रोडक्शन को हैदराबाद में ले जाया गया अगस्त दो में वहां पर गाना शूट किया गया था इसके अलावा कुछ पोस्टन थे वो लद्दाख में भी शूट किए गए थे उसके बाद में फरवरी 2023 तक फिल्म को रेपअप किया गया उसके बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम किया गया था जहाँ पर दो में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे पिछली कुछ फिल्मों के राइट्स किसी सलमान खान की सभी फिल्मों के जो राइट्स है वो सी के द्वारा ही खरीदे गए तो यहाँ पर भी म्यूजिक के राइट्स उनके द्वारा खरीदे गए थे गानों की लेंथ करीबन सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड थी फिल्म में करीबन आठ गाने थे पहले गाने का नाम था यंतम्मा जिसके लिरिक्स शबीर अहमद ने लिखे हुए थे म्यूज़िक पायल देव ने दिया हुआ था सिंगर विशाल ददलानी पायल देव रफ्तार थे बिल्ली बिल्ली गाने के लिरिक्स कुमार और विकी धंधु ने लिखे हुए थे सुखबीर ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने गाया हुआ था नहीं लगता वाले गाने के लिरिक्स सब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे हिमेश हिमेशम के द्वारा म्यूजिक दिया गया था पलक मुचल कमाल खान के द्वारा गया गवाया गया था वो बल्ले बल्ले गाने को कुमार ने लिखा हुआ था सुखबीर का म्यूजिक था किरण कबीर टिमपी सुखबीर ने मिलकर उसको गाया हुआ था जी रहे थे हम फॉलिंग इन लव जो गाना था उसको सब्बीर अहमद ने लिखा हुआ था माल मलिक के द्वारा म्यूजिक दिया गया था सलमान खान ने उसको गाया हुआ था लेट्स डांस छोटू मोटू को देवी श्री प्रसाद ने उसके म्यूजिक और लिरिक्स में काम किया हुआ था एज ए सिंगर के तौर पर उन्होंने गाया भी था उनके साथ सलमान खान यो हनी सिंह नेहा बसीन ने भी उस गाने को गाया था तेरे बिना करके जो गाना था उसको साजिद खान ने लिखा हुआ है म्यूजिक भी उनका ही था और साजिद वाजिद के द्वारा उसको गवाया गया था वहीं पे बात उत्मा करके जो गाना था उसको सबीर अहमद रवि बसरू किन्नर राजूरी और रवि बसरूर ने म्यूजिक दिया हुआ था इसके अलावा संतोष वेंकी आरा उडुप्पी हरिणी वो तो रिशुचे बसुर विजय लक्ष्मी मेहता ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड इन सभी गानों के रेड सी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने बीस अप्रैल दो को इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में से साउंड ट्रैक के तौर पर ऑफिशियली यूट्यूब पर और उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ किया था अगर फिलहाल में गाने आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो दूसरे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो वी मणिकंदन ने सिनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग मयूरेश सावंत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट लंबी ये फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था वहीं पर म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर पूरा फिल्म का रवि बसुर ने किया हुआ है इसके अलावा सिंगल सिंगल गाने कई म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए जहाँ पे रवि बसुर हिमेश रेशमिया साजिद खान सुखबीर पायल देव देवी श्री प्रसाद अमाल मलिक अमाल मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 132 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट था वो विक स्टूडियो के द्वारा करवाया गया था उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी अब कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया हुआ है यानी कि भाईजान का पूजा हेगड़े ने इस फिल्म में गुंडा मेनी भाग्य लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्णन की सिस्टर और भाईजान का लव इंटरेस्ट है वेंकटेश ने इस फिल्म में गुंडा मेनी बालाकृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है जो राउंड का रोल था वो भी उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भाग्या के एल्डर ब्रदर है भूमिका आपको गुंडा आनंदिनी का का रोल प्ले का रोल प्ले करती नजर आएगी जो वाइफ और भाग्या की सिस्टर इन लोग का रोल था जगपति बाबू ने कोडाति नागेश्वर का रोल प्ले किया हुआ है जो रमेश वरा का बेटा था वहीं पर राघव जल इसके रोल में दिखाई देंगे जो भाईजान के भाई का रोल था जेसी गिल ने भी मोह का रोल प्ले किया हुआ है वो भी भाईजान के एक भाई का ही रोल था सिद्धार्थ निगम ने लव का रोल प्ले किया हुआ है जो भाईजान के भाई का रोल है शेहनाज गिल ने इसमें सुकून का रोल प्ले किया हुआ है जो इसका लव इंटरेस्ट थी वहीं पर पलक तिवारी ने मुस्कान का रोल प्ले किया हुआ है जो मोह की लव इंटरेस्ट थी इसके अलावा बिनाली भटनागर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आई थी जिन्होंने चाहत का रोल प्ले किया हुआ है जो लव की लव इंटरेस्ट थी वहीं पर विजेंद्र सिंह ने इसमें महावीर के तौर पर इंटागोनिस का रोल प्ले किया हुआ है सतीश कौशिक आपको नदीम चाचा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा आसिफ शेख ने डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है तेज सपुर आपको इंस्पेक्टर के रोल में दिखाई देंगे अभिमन्यु सिंह

स्टूडियो के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी करीबन फाइव फाइव फिल्म को मिली थी सॉरी यानी कि जो 45, जो हुई थी ट्वेल्व हंड्रेड स्क्रीन थी ओवरसीज मार्केट में मिली हुई थी, थी, थी इस तरह से 5,700 स्क्रीन्स के साथ फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पे ईद के मौके के ऊपर 21 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज किया फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एमडी पे करीबन सैंतीस हजार वोट मिले जिसमें 6.6 पॉइंट की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म का एक मॉडरेट काइंड ऑफ बस था जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने पंद्रह करोड़ इक्यासी लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे दिन इस फिल्म ने एक अच्छा खासा जंप लिया था करीबन बासठ जितना जंप लिया था जहाँ पे सलमान खान के फैंस ईद के मौके के ऊपर सेटरडे के दिन इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स दिलवाया पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन ये कलेक्शन और बड़ा सलमान खान की फैन फॉलोइंग के चलते छब्बीस करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने मंडे के दिन जो एक अच्छा एक ऐसा दिन माना जाता है उसके बाद पता चलता है कि फिल्म कहाँ तक जाएगी वहाँ पे भी इस फिल्म ने जो फ्राइडे का कलेक्शन था उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन किया पंद्रह सोलह करोड़ फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे मंडे के दिन फिल्म ने दस करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन छः करोड़ बारह लाख का वेनरडे के दिन चार करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया थर्डे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का इसके साथ इस फिल्म ने पहले वीकेंड में अड़सठ करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में बानवे करोड़ इक्की इक्कीस लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीकेंड में फिल्म ने 9 करोड़ 5 लाख 50 लाख का कलेक्शन किया तीसरे वीकेंड में 1 करोड़ 58 लाख का ठीक इसी तरह तीसरे वीक में इस फिल्म ने 2 करोड़ 32 लाख का कलेक्शन किया चौथे वीक में 50 लाख का और इस तरह से इस फिल्म ने चार वीक तक लंबा रन लिया हुआ था 110 करोड़ 53 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था इसका अगर हम ग्रॉस करें तो एक सौ इकतीस करोड़ अट्ठावन लाख होता है तो इंडिया से इकतीस एक सौ इकतीस करोड़ अट्ठावन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था और का ग्रोस कलेक्शन करीबन इक्यावन करोड़ के आसपास का था इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक सौ तिरासी करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का जो बजट था वो एक सौ बत्तीस करोड़ था तो ये बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे सलमान खान ने कोविड के बाद जो एक फिल्म रिलीज़ की उसके बाद में उनकी एक सक्सेसफुल फिल्म कह सकते हैं तो एक डिसेंट सक्सेस के साथ फिल्म रिलीज़ हुई और और बॉक्स ऑफिस पे चल गई उसके बाद में इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स जैसे कि मैंने कहा कि कई फिल्मों के सी के द्वारा ही खरीदे गए तो इस फिल्म के भी ओटीटी सैटेलाइट राइट्स जी स्टूडियो के ही पास से म्यूजिक ओटीटी सैटेलाइट सभी राइट्स सी के ही पास से जहां पे फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आपने किसी का भाई किसी की जान फिल्म नहीं देखी और अगर देखना चाहते हो तो फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो तो और इसके अलावा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी के ऊपर किसी का भाई किसी की जान फिल्म को आप आसानी से हिंदी वर्जन में फिल्म प्रीमियर होते हुए इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान ये फिल्म अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो किसी का भाई किसी की जान जो दो हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये फिल्म तमिल फिल्म विरम का रीमेक है जहाँ पे सेम टू सेम रीमेक तो नहीं है स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो सेम है लेकिन उसमें 2023 के हिसाब से चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि विरम 2014 में रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में वो भी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा डिरेक्ट किया हुआ था शिवा ने वहीं पर लीड रोल में अजित कुमार तमन्ना भाटिया थे इसके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट थी विरम बॉक्स ऑफिस पे करीबन काफ़ी बड़ा कलेक्शन किया हुआ था पैंतालीस करोड़ के बजट की फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का कल्याण और श्रुति मेंसन थे पैंतीस करोड़ का बजट था बॉक्स ऑफिस पे चालीस करोड़ का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे फिल्म उस काइंड ऑफ कुछ वर्क करके नहीं दी थी उसके बाद में फिल्म का कनाडा वर्जन भी क्रिएट किया गया था जिसका नाम ओडिया था जिसको 2019 में रिलीज किया वो एक एक्शन ड्रामा जोनर वाला फिल्म था जिसका स्क्रीन प्ले डिरेक्शन एम डी श्रीधर ने लिखा हुआ था दर्शन तो गुदीप लीड रोल में थे उनके अपोजिट सना थी मैया ने को कास्ट किया गया था देवराज और पी रविशंकर को भी इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट सक्सेस हासिल की हुई थी एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि जो वीरम या कटम राइडू है या ओडिया तीनों के राइट्स है वो फिलहाल में गोल के ही पास है और ये तीनों फिल्म तीनों फिल्मों को उन्होंने हिंदी डब करवाया हुआ है सेम नाम के साथ जहाँ पे वीरम को वीरम दी पावर नाम दिया हुआ है कटम रेडू का नाम सेम है ओडिया का भी नाम सेम रखा हुआ है और ये सभी वर्जन फिलहाल में ऑफिशियली ऑफिशियलीस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देख सकते हो किसी का भाई किसी की जान के बारे में बातचीत करें तो फिल्म को डेरे किया हुआ फराज श्याम जी ने हिंदी अडेप्टन है वो फराज श्याम जी स्पर्स खेतरपाल और ताशा हमरा ने मिलकर किया हुआ है डायलॉग स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन है वो फराज समझी ने किया हुआ था इसके अलावा सलमा खान के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वैसे इस फिल्म को पहले नडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट के नीचे प्रोड्यूस किया जाने वाला था उनके पास जिगर ठंडा और वीरम दोनों फिल्म के राइट थे जहाँ पे जिगर ठंडा को बाद में उस फिल्म को बच्चन पांडे के नाम से बनाया गया था जिसको भी फराज साम ने ही डिरेक्ट किया था जहाँ पे उस फिल्म का नाम पहले लैंड ऑफ लुंगी था वो फिल्म बॉक्स इस पे नहीं चली थी और उसी समय के दौरान सलमान खान और फराज शाम जी के बीच में कुछ बातचीत बाच्ची, बातचीत हुई थी कि वीरम फिल्म की कहानी को यहीं रोक देते इसके ऊपर हम फिल्म नहीं बनाते लेकिन सलमान खान को उसके ऊपर फिल्म बनानी थी इस वजह से उन्होंने नडियाधवाला के पास से सारे राइट्स खरीद लिए रेमिक के राइट्स और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से नडियाधवाला वॉकआउट हो गए सलमान खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया जहाँ पे सलमा खान उनकी माँ के द्वारा सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फ़ैसला लिया गया उसके बाद में फिल्म को कभी कभी दिवाली नाम के साथ अनाउंस किया था दस जनवरी दो 2020 को उसके बाद में इस फिल्म को काफ़ी लंबा पोस्टपोन किया गया था कोविड के बीच में फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी फिल्म को फिर से भाईजान नाम टाइटल के साथ रिवाइव किया गया और उसके बाद में अगस्त दो में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला किसी का भाई किसी की जान फिल्म नाम से आने वाली है तो इस तरह से मल्टीपल चेंजेस हुए इससे पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि फ़िल्म बंद होने के कगार पर थी लेकिन फिर भी फिल्म को बना के रिलीज़ किया गया था तो इस तरह से फिल्म के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश जगपति जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे जिसमें इस फिल्म के कास्टिंग है पूजा हेगड़े को फीमेल लीड के तौर पे फरवरी 2020 में ही कास्ट कर लिया था दिसंबर 2021 में वेंकटेश ने ज्वाइन किया हुआ था सेट को क्योंकि चीज़ें बार बार पोस्टपोन हो रही थी तो एक्टर्स भी कास्ट नहीं किए गए थे और तकदीर वाला जो नाइनटीन में फिल्म आई थी जिसमें वेंकटेश लीड रोल में थे तो उस फिल्म के बाद उनका हिंदी सिनेमा में एज अ कम्बे के तौर पर फिल्म थी उसके बाद में जैसे सिद्धार्थ निगम राघव जुआल को सलमान खान के भाइयों का रोल दिया गया पंजाबी सिनेमा में जो काम कर रही है एक्ट्रेस गिल उनको भी इस फिल्म में काम दिया गया था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया गया उसके बाद में इस फिल्म में रामचरण ने एक अपना स्पेशल अपीर भी दिया हुआ था तो इस फिल्म के साथ इस तरह से काम किया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो बारह मई दो को मुंबई से स्टार्ट की गई थी उसके बाद में जून महीने में प्रोडक्शन को हैदराबाद में ले जाया गया अगस्त दो में वहां पर गाना शूट किया गया था इसके अलावा कुछ पोस्टन थे वो लद्दाख में भी शूट किए गए थे उसके बाद में फरवरी 2023 तक फिल्म को रेपअप किया गया उसके बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम किया गया था जहाँ पे 2022 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए थे पिछली कुछ फिल्मों के राइट्स किसी सलमान खान की सभी फिल्मों के जो राइट्स है वो जी के द्वारा ही खरीदे गए तो यहाँ पर भी म्यूजिक के राइट्स उनके द्वारा खरीदे गए थे गानों की लेंथ करीबन सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड थी फिल्म में करीबन आठ गाने थे पहले गाने का नाम था यंतम्मा जिसके लिरिक्स सबीर अहमद ने लिखे हुए थे म्यूज़िक पायल देव ने दिया हुआ था सिंगर विशाल ददलानी पायल देव रफ्तार थे बिल्ली बिल्ली गाने के लिरिक्स कुमार और विकी धंधु ने लिखे हुए थे सुखबीर ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने गाया हुआ था नहीं लगता वाले गाने के लिरिक्स सब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे हिमेश के द्वारा म्यूजिक दिया गया था पलक मुचल कमाल खान के द्वारा गया गवाया गया था वो बल्ले बल्ले गाने को कुमार ने लिखा हुआ था सुखबीर का म्यूजिक था किरण कबीर टीम पी सुखबीर ने मिलकर उसको गाया हुआ था जी रहे थे हम फॉलिंग इन लव जो गाना था उसको सब्बीर अहमद ने लिखा हुआ था माल मलिक के द्वारा म्यूजिक दिया गया था सलमान खान ने उसको गाया हुआ था लेट्स डांस छोटू मोटू को देवी श्री प्रसाद ने उसके म्यूजिक और लिरिक्स में काम किया हुआ था एज अ सिंगर के तौर पर उन्होंने गाया भी था उनके साथ सलमान खान यो हनी सिंह नेहा बसिन ने भी उस गाने को गाया था तेरे बिना करके जो गाना था उसको साजिद खान ने लिखा हुआ है म्यूजिक भी उनका ही था और साजिद वाजिद के द्वारा उसको गवाया गया था वहीं पे बात कम्मा करके जो गाना था उसको सबीर अहमद रवि बसरूर किन्नर राजूरी और रवि बसरूर ने म्यूजिक दिया हुआ था इसके अलावा संतोष वेंकी आरा उडुपी हरिणी वो तो रिसुचेता बसुर विजय लक्ष्मी मेथा होल्ले उसको गाया हुआ था तो इस तरह से आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड इन सभी गानों के रेड जी म्यूजिक कंपनी के पास से जिन्होंने बीस अप्रैल दो को इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में से साउंड ट्रेक के तौर पर ऑफिशियली यूट्यूब पर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ किया था अगर फिलहाल मेरे गाने आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो दूसरे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो वी मनिकंदन ने सिनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग मयूरी सावंत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को चौवालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट लंबी फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था वहीं पर म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर पूरा फिल्म का रवि बसुर ने किया हुआ है इसके अलावा सिंगल सिंगल गाने कई म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए जहां पर रवि बसुर हिमेश रेशमया साजिद खान सुखबीर पायल देव देवी श्री प्रसाद अमाल मलिक अमाल मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक करोड़ के बजट में बनाया हुआ था वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट था वो जिक स्टूडियो के द्वारा करवाया गया था उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी अब कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया हुआ है यानी कि भाईजान का पूजा हेगड़े ने इस फिल्म में गुंडा मेनी भाग्य लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्णन की सिस्टर और भाईजान का लव इंटरेस्ट है वेंकटेश ने इस फिल्म में गुंडा मेनी बालाकृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है जो रावड़ियन का रोल था वो भी उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भाग्या के एल्डर ब्रदर है भूमिका चावल आपको गुंडा मिनी आनंदिनी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो बालाकृष्णन की वाइफ का रोल और भाग्या की सिस्टर इन इंदो का रोल था जगपति बाबू ने कोडाति नागेश्वर का रोल प्ले किया हुआ है जो रमेश वरा का बेटा था वहीं पर राघव जुएल इसके रोल में दिखाई देंगे जो भाईजान के भाई का रोल था जेसी गिल ने भी मोह का रोल प्ले किया हुआ है वो भी भाईजान के एक भाई का ही रोल था सिद्धार्थ निगम ने लव का रोल प्ले किया हुआ है जो भाईजान के भाई का रोल है शेहनाज गिल ने इसमें सुकून का रोल प्ले किया

रोल दिया गया था जो नागेश्वर के फादर का रोल था अमित तिवारी आपको कोड़े थे इस रोल में दिखाई देंगे जो रमेश्वर का यंगेस्ट बेटा था और नागेश्वर का यंगेस्ट ब्रदर था पराग त्यागी ने कोडा थी योगेश्वर का रोल प्ले किया हुआ है जो रमेश्वर का सेकंड बेटा था नागेश्वर का यंगर ब्रदर था वहीं पर रोहिणी हतांगदी ने इसमें कुंडा मेनी पूली का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्ण और भाग्यलक्ष्मी की माँ का रोल है फराज साम जी ने इसमें फोटोग्राफर का रोल प्ले किया हुआ है वेडिंग फोटोग्राफर के रोल में दिखाई देंगे भाग्यश्री आपको स्पेशल अपीरेंस देती नजर आएगी एज भाग्या के तौर पे जो भाईजन का फॉर्मल लव इंटरेस्ट का रोल था अभी मनु दस्तानी स्पेशल अपीय में दिखाई देंगे उनके अला, उनके अलावा फादर यानी कि हिमालय दस्तानी भी इस फिल्म में में स्पेशल दिखाई देंगे रामचरण एक हुआ है ऐजा राम के तौर पर इसके अलावा हनी सिंह एक कैम्यू अपीय देते हुए नजर आएंगे गाने के लिए तो इस तरह से इस फिल्म के आर्टिस्ट ने इसमें अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की प्रोमिनेट कास्ट थी फिल्म के टीजर को करीबन पच्चीस जनवरी दो को पठान के फिल्म के साथ रिलीज के साथ रिलीज किया

थाउजेंड स्क्रीन्स वर्ल्ड वाइड लेवल पे फिल्म को मिली थी 400 सॉरी 4,500 यानी कि 45,000 जो 4,500 जो स्क्रीन्स थी वो इंडिया में मिली हुई थी 1,200 हंड्रेड स्क्रीन थी ओवरसीज मार्केट में मिली हुई थी इस तरह से 5,700 स्क्रीन्स के साथ फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पे ईद के मौके के ऊपर इक्कीस अप्रैल दो को थिएटर में रिलीज किया फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे करीबन सैंतीस वोट मिले जिसमें छह की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म का एक मॉडरेट काइंड ऑफ बस था जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने पंद्रह करोड़ इक्यासी लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे दिन इस फिल्म ने एक अच्छा खासा जंप लिया था करीबन बासठ परसेंट जितना जंप लिया था जहां पे सलमान खान के फैंस ईद के मौके के ऊपर सेटरडे के दिन इस फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दिलवाया पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन ये कलेक्शन और बड़ा सलमान खान की फैन फॉलोइंग के चलते छब्बीस करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने मंडे के दिन जो एक uh -huh. अच्छा एक ऐसा दिन माना जाता है उसके बाद पता चलता है कि फिल्म कहाँ तक जाएगी वहाँ पे भी इस फिल्म ने जो फ्राइडे का कलेक्शन था उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन किया पंद्रह सोलह करोड़ फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ वा था वहीं पे मंडे के दिन फिल्म ने दस करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन छः करोड़ बारह लाख का वेनडे के दिन चार करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया थर्डे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का इसके साथ साथ इस फिल्म ने पहले वीकेंड में अड़सठ करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में बानवे करोड़ इक्कीस लाख का कलेक्शन किया दूसरे

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तिरासी करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था जहां पे फिल्म का जो बजट था वो 132 करोड़ था तो ये बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ़ सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी पे सलमान खान ने कोविड के बाद जो एक फिल्म रिलीज की बॉक्स ऑफिस पर चल गई उसके बाद में इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट राइड जैसे मैंने कहा कि कई फिल्मों के द्वारा ही खरीदे गए तो इस फिल्म के भी ओ टी टी सैटेलाइट जी स्टूडियो के ही पास थे म्यूजिक ओ टी टी सेटेलाइट सभी राइट सी के पास से जहां पे फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आपने किसी का भाई किसी की जान फिल्म नहीं देखी और अगर देखना चाहते हो तो फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देख सकते हो तो और इसके अलावा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी के ऊपर किसी का भाई किसी की जान फिल्म को आप आसानी से हिंदी वर्जन में में प्रीमियर होते हुए इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान ये फिल्म अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी सिनेमा जी सिनेमा एची चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह इस से आप ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो किसी का भाई किसी की जान जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये फिल्म तमिल फिल्म विरम का रीमेक है जहाँ पे सेम टू सेम रीमेक तो नहीं है स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो सेम है लेकिन उसमें 2023 के हिसाब से चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि विरम 2014 में रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में वो भी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा डिरेक्ट किया हुआ था शिवा ने वहीं पर लीड रोल में अजीत कुमार तमन्ना भाटिया थे इसके अलावा का फिल्म भी सपोर्टिंग कास्ट थी विरम बॉक्स ऑफिस पे करीबन काफी बड़ा कलेक्शन किया हुआ था पैंतालीस करोड़ के बजट की फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स पे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का 2017 हजार सत्रह में कटर रायडूकर नाम से एक रीमेक बनाया गया था जिसमें फिल्म को किया किशोर कुमार पारदा सेनी ने लीड रोल में पवन कुमार सॉरी पवन कल्याण और श्रुति हासन थे पैंतीस करोड़ का बजट था बॉक्स ऑफिस पे चालीस करोड़ का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे फिल्म उस काइंड ऑफ कुछ वर्क करके नहीं दी थी उसके बाद में फिल्म का कनाडा वर्जन भी क्रिएट किया गया था जिसका नाम ओडिया था जिसको 2019 में रिलीज किया वो एक एक्शन ड्रामा जोनर वाला फिल्म था जिस स्क्रीन प्ले डिर एम डी श्रीधर ने लिखा हुआ था दर्शन तो गुदीप लीड रोल में थे उनके अपोजिट सना थी मैया ने को कास्ट किया गया था देवराज और पी रविशंकर को भी इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट सक्सेस हासिल की हुई थी एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि जो वीरम या कटम राइडू है या ओडिया तीनों के राइड्स है वो फिलहाल में गोल के ही पास है और ये तीनों फिल्म तीनों फिल्मों को उन्होंने हिंदी डब करवाया हुआ है सेम नाम के साथ जहाँ पे वीरम को वीरम दी पावर नाम दिया हुआ है कटम राइडू का नाम सेम है ओडिया का भी नाम सेम रखा हुआ है और ये सभी वर्जन फ़िलहाल में ऑफिशियली माइन्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देख सकते हो किसी का भाई किसी की जान के बारे में बातचीत करें तो फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ फ़राज शाम जी ने हिंदी एडप्टेसन है वो फ़राज शाम जी स्पर्स खेतरपाल और तासा भमरा ने मिलकर किया हुआ है डायलॉग स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन है वो फराज शाम जी ने किया हुआ था इसके अलावा सलमा खान के द्वारा फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वैसे इस फिल्म को पहले नडियादवाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट के नीचे प्रोड्यूस किया जाने वाला था उनके पास जिगर ठंडा और वीरम दोनों फिल्म के राइट थे जहाँ पे जिगर ठंडा को बाद में उस फिल्म को बच्चन पांडे के नाम से बनाया गया था जिसको भी फराज शाम ने ही डरेक्ट किया था जहाँ पे उस फिल्म का नाम पहले लैंड ऑफ लुंगी था वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी और उसी समय के दौरान सलमान खान और फराज शाम जी के बीच में कुछ बातचीत बातचीत हुई थी कि वीरम फिल्म की कहानी को यहीं रोक देते इसके ऊपर हम फिल्म नहीं बनाते लेकिन सलमान खान को उसके ऊपर फिल्म बनानी थी इस वजह से उन्होंने नडियादवाला के पास से सारे राइट्स खरीद लिए रेमिक के राइट्स और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से नडियादवाला वॉकआउट हो गए सलमान खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया जहाँ पे सलमा खान उनकी माँ के द्वारा सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया गया उसके बाद में फिल्म को कभी कभी दिवाली नाम के साथ अनाउंस किया था दस जनवरी दो 2020 को उसके बाद में इस फिल्म को काफ़ी लंबा पोस्टपोन किया गया था कोविड के बीच में फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी फिल्म को फिर से भाईजान नाम टाइटल के साथ रिवाइव किया गया और उसके बाद में अगस्त दो में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला किसी का भाई किसी की जान फिल्म नाम से आने वाली है तो इस तरह से मल्टीपल चेंजेस हुए इससे पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि फिल्म बंद होने के कगार पर थी लेकिन फिर भी फिल्म को बना के रिलीज़ किया गया था तो इस तरह से फिल्म के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश जगपति जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे जिसमें इस फिल्म के कास्टिंग है पूजा हेगड़े को फीमेल लीड के तौर पे फरवरी 2020 में ही कास्ट कर लिया था दिसंबर 2021 में वेंकटेश ने ज्वाइन किया हुआ था सेट को क्योंकि चीज़ें बार बार पोस्टपोन हो रही थी तो एक्टर्स भी कास्ट नहीं किए गए थे और तकदीर वाला जो नाइनटीन में फिल्म आई थी जिसमें वेंकटेश लीड रोल में थे तो उस फिल्म के बाद उनका हिंदी सिनेमा में इज अ कम्बे के तौर पर फिल्म थी उसके बाद में जैसे सिद्धार्थ निगम राघव जुएल को सलमान खान के भाइयों का रोल दिया गया पंजाबी सिनेमा में जो काम कर रही एक्ट्रेस गिल उनको भी इस फिल्म में काम दिया गया था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया गया उसके बाद में इस फिल्म में रामचरण ने अपना स्पेशल अपीर भी दिया हुआ था तो इस फिल्म के साथ इस तरह से काम किया गया था जहां पर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो बारह मई दो को मुंबई से स्टार्ट की गई थी उसके बाद में जून महीने में प्रोडक्शन को हैदराबाद में ले जाया गया अगस्त दो में वहां पर गाना शूट किया गया था इसके अलावा पोस्टन थे वो लद्दाख में भी शूट किए गए थे उसके बाद में फरवरी 2023 तक फिल्म को रेप अप किया गया उसके बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम किया गया था जहाँ पे 2022 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे पिछली कुछ फिल्मों के राइट्स किसी सलमान खान की सभी फिल्मों के जो राइट्स है वो सी के द्वारा ही खरीदे गए तो यहाँ पर भी म्यूज़िक के राइट्स उनके द्वारा खरीदे गए थे गानों की लेंथ करीबन सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड थी फिल्म में करीबन आठ गाने थे पहले गाने का नाम था यंतम्मा जिसके लिरिक्स सबीर अहमद ने लिखे हुए थे म्यूजिक पायल देव ने दिया हुआ था सिंगर विशाल ददलानी पायल देव रफ्तार थे बिल्ली बिल्ली गाने के लिरिक्स कुमार और विकी धंदू ने लिखे हुए थे सुखबीर ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने गाया हुआ था लगता वाले गाने के लिरिक्स शब्बी अहमद ने लिखे हुए थे हिमेश हिमेशम के द्वारा म्यूजिक दिया गया था पलक मुचल कमाल खान के द्वारा गया गवाया गया था वो बल्ले बल्ले गाने को कुमार ने लिखा हुआ था सुखबीर का म्यूजिक था किरण कबीर टिम्पी सुखबीर ने मिलकर उसको गाया हुआ था जी रहे थे हम फॉलिंग इन लव जो गाना था उसको सब्बी अहमद ने लिखा हुआ था माल मलिक के द्वारा म्यूजिक दिया गया था सलमान खान ने उसको गाया हुआ था लेट्स डांस छोटू मोटू को देवी श्री प्रसाद ने उसके म्यूजिक और लिरिक्स में काम किया हुआ था एज अ सिंगर के तौर पर उन्होंने गाया भी था उनके साथ सलमान खान हनी सिंह नेहा बसिन ने भी उस गाने को गाया था तेरे बिना करके जो गाना था उसको साजिद खान ने लिखा हुआ है म्यूजिक भी उनका ही था और साजिद वाजिद के द्वारा उसको गवाया गया था वहीं पे बात कम्मा करके जो गाना था उसको सबीर अहमद रवि बसरू किन्नर राजूरी और रवि बसरू ने म्यूजिक दिया हुआ था इसके अलावा संतोष वेंकी अरा उडुपी हरिणी वो तोरी सुचेता बसुर बसरु विजय लक्ष्मी मेहता हो उसको गाया हुआ था तो इस तरह से आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड इन सभी गानों के रेट जी म्यूजिक कंपनी के पास है जिन्होंने बीस अप्रैल दो को इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में से साउंड ट्रेक के तौर पर ऑफिशियली यूट्यूब पर और उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ किया था अगर फिलहाल में गाने आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो दूसरे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो बी मणिकंदन ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है एडिटिंग मयूरी सावंत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट लंबी ये फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था वहीं पर म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर पूरा फिल्म का रवि बसुर ने किया हुआ है इसके अलावा सिंगल सिंगल गाने कई म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए जहाँ पे रवि बसुर हिमेश रेशमिया साजिद खान सुखबीर पायल देव देवी श्री प्रसाद अमाल मलिक अमाल मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 132 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट था वो जी स्टूडियो के द्वारा करवाया गया था उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी अब कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया हुआ है यानी कि भाईजान का पूजा हेगड़े ने इस फिल्म में गुंडा मेनी भाग्य लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्णन की सिस्टर और भाईजान का लव इंटरेस्ट है वेंकटेश ने इस फिल्म में गुंडा मेनी बालाकृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है जो का रोल था वो भी उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भाग्या के एल्डर ब्रदर है भूमिका चावल आपको गुंडा मेनी आनंदिनी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो बालाकृष्णन की वाइफ का रोल और भाग्या की सिस्टर इन इंदो का रोल था जगपति बाबू ने कोडाति नागेश्वर का रोल प्ले किया हुआ है जो का बेटा था वहीं पे राघव जोहल इसके रोल में दिखाई देंगे जो भाईजान के भाई का रोल था जेसी गिल ने भी मोह का रोल प्ले किया हुआ है वो भी भाईजान के एक भाई का ही रोल था सिद्धार्थ निगम ने लव का रोल प्ले किया हुआ है जो भाईजान के भाई का रोल है शेहनास गिल ने इसमें सुकून का रोल प्ले किया हुआ है जो इसका लव इंटरेस्ट थी वहीं पर पलक तिवारी ने मुस्कान का रोल प्ले किया हुआ कियागर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए सतीश कौशिक आपको नदीम चाचा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा आसिफ शेख ने डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है तेज सप्रो आपको इंस्पेक्टर के रोल में दिखाई देंगे अभिमन्यु सिंह ने त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरानी को कोडा रामेश का रोल दिया गया था जो नागेश्वर के फादर का रोल था अमित तिवारी आपको कोड़े थे रोल में दिखाई देंगे जो रमेश्वर का यंगेस्ट बेटा था और नागेश्वर था सेकंड बेटा ब्रदर था वहीं पर रोहिणी हतांगदी ने इसमें कुंडा मेनी पूरी का रोल प्ले किया है जो बालाकृष्ण और लक्ष्मी के माँ का रोल है फराज शाम जी ने फोटोग्राफर का रोल प्ले किया वेडिंग फोटोग्राफर के रोल में दिखाई देंगे भाग्यश्री आपको स्पेशल अपीर देती हुई नजर आएगी एज भाग्या के तौर पे जो भाईजान का फॉर्मल इंटरेस्ट का रोल था अभिमन्यु मनु दस्तानी स्पेशल अपीरेंस में दिखाई देंगे उनके अला, उनके अलावा फादर यानी कि हिमालय दस्तानी भी इस फिल्म में स्पेशल में दिखाई देंगे रामचरण एक हुआ है एज ए राम के तौर पर इसके अलावा यो हनी सिंह एक कैम्यपियरेंस देते हुए नजर आएंगे लेट्स टु गाने के लिए तो इस तरह से इस फिल्म के आर्टिस्ट ने इसमें अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी फिल्म के टीजर को करीबन पच्चीस जनवरी दो को पठान के फिल्म के साथ रिलीज के साथ रिलीज किया गया था ऑफिशियल ट्रेलर था उसको 10 अप्रैल 2023 को रिलीज किया टीजर ट्रेलर को एक पॉजिटिव का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को ईद के मौके के ऊपर रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इक्कीस अप्रैल दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म को थिएटर में जब रिलीज किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन मिले हुए थे जी स्टूडियो के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी करीबन फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्क्रीन वर्ल्ड वाइड लेवल पे फिल्म को मिली थी फोर हंड्रेड सॉरी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी फोर्टी फाइव हंड्रेड जो, जो स्क्रीन्स थी वो इंडिया में मिली हुई थी ट्वेल्व हंड्रेड स्क्रीन थी ओवरसीज मार्केट में मिली हुई थी इस तरह से फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्क्रीन के साथ फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पर ईद के मौके के ऊपर इक्कीस अप्रैल दो हजार तेईस को थिएटर में रिलीज किया फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन सैंतीस हजार वोट मिले जिसमें छह पॉइंट छह की हासिल हुई दस में से और इस फिल्म का एक मॉडरेट काइंड ऑफ बस था जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने पंद्रह करोड़ इक्यासी लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे दिन इस फिल्म ने एक अच्छा खासा जंप लिया था करीबन बासठ परसेंट जितना जंप लिया था जहां पे सलमान खान के फैंस ईद के मौके के ऊपर सैटरडे के दिन इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स दिलवाया पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन ये कलेक्शन और बड़ा सलमान खान की फैन फॉलोइंग के चलते छब्बीस करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने मंडे के दिन जो एक अच्छा एक ऐसा दिन माना जाता है उसके बाद पता चलता है कि फिल्म कहाँ तक जाएगी वहाँ पे भी इस फिल्म ने जो फ्राइडे का कलेक्शन था उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन किया पंद्रह सोलह करोड़ फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे मंडे के दिन फिल्म ने दस करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन छः करोड़ बारह लाख का वेनडे के दिन चार करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया थर्टे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का इसके साथ साथ इस फिल्म ने पहले वीकेंड में अड़सठ करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में बानवे करोड़ इक्कीस लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीकेंड में फिल्म ने 9 करोड़ 5 लाख 50 लाख का कलेक्शन किया तीसरे वीकेंड में 1 करोड़ 58 लाख का ठीक इसी तरह तीसरे वीक में इस फिल्म ने 2 करोड़ 32 लाख का कलेक्शन किया चौथे वीक में 50 लाख का और इस तरह से इस फिल्म ने चार वीक तक लंबा रन लिया हुआ था 110 करोड़ 53 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था इसका अगर हम ग्रॉस करें तो तो एक सौ इकतीस करोड़ अट्ठावन लाख होता है तो इंडिया से इकतीस एक सौ इकतीस करोड़ अट्ठावन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था और इसका ग्रोस कलेक्शन करीबन इक्यावन करोड़ के आसपास का था इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक सौ तिरासी करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का जो बजट था वो एक सौ बत्तीस करोड़ था तो ये बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे सलमान खान ने कोविड के बाद जो फिल्म रिलीज़ की उसके बाद में उनकी एक सक्सेसफुल फिल्म कह सकते हैं तो एक डिसेंट सक्सेस के साथ फिल्म रिलीज़ हुई बॉक्स ऑफिस पे चल गई उसके बाद में इस फिल्म के ओ टी टी कि मैंने कहा कि कई फिल्मों के सी के द्वारा ही खरीदे गए तो इस फिल्म के भी ओ टी टी सेटेलाइट राइड सी स्टूडियो के ही पास थे म्यूजिकाइट सभी राइट्स सी के ही पास थे जहां पे फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आपने किसी का भाई किसी की जान फिल्म नहीं देखी और अगर देखना चाहते हो तो फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देख सकते हो तो और इसके अलावा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी के ऊपर किसी का भाई किसी की जान फिल्म को आप आसानी से हिंदी वर्जन में प्रीमियर प्रीमियर होते हुए इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान ये फिल्म अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकते हो एवरीथिंग इज सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी सिनेमा जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो किसी का भाई किसी की जान जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये फिल्म तमिल फिल्म विरम का रीमेक है जहाँ पे सेम टू सेम रीमेक तो नहीं है स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो सेम है लेकिन उसमें 2023 के हिसाब से चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि विरम 2014 में रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में वो भी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा डिरेक्ट किया हुआ था शिवा ने वहीं पर लीड रोल में अजित कुमार तमन्ना भाटिया थे इसके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट थी वीरम बॉक्स ऑफिस पे करीबन काफी बड़ा कलेक्शन किया हुआ था पैंतालीस करोड़ के बजट की फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का 2017 में सत्रह में कटर नाम से एक रीमेक बनाया गया था जिसमें फिल्म को डिरेक्ट किया किशोर कुमार ने लीड रोल में पवन कुमार सॉरी पवन कल्याण और श्रुति हासन थे पैंतीस करोड़ का बजट था बॉक्स ऑफिस पे चालीस करोड़ का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे फिल्म उस काइंड ऑफ कुछ वर्क करके नींद नहीं दी थी उसके बाद में फिल्म का कनाडा वर्जन भी क्रिएट किया गया था जिसका नाम ओडिया था जिसको 2019 में रिलीज किया वो एक एक्शन ड्रामा जोनर वाला फिल्म था जिस स्क्रीन प्ले डिर एम डी श्रीधर ने लिखा हुआ था दर्शन तो तुगुदीप लीड रोल में थे उनके अपोजिट सना थी ने को किया गया था देवराज और पी रविशंकर को भी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट सक्सेस हासिल की हुई थी एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि जो वीरम या कटम राइडू है या ओडिया तीनों के राइट्स है वो फिलहाल में गोलमाइन्स के पास है और ये तीन फिल्म तीनों फिल्मों को उन्होंने हिंदी डब करवाया हुआ है सेम नाम के साथ जहाँ पे वीरम को वीरम दी पावर नाम दिया हुआ है कटम रेडू का नाम सेम है ओडिया का भी नाम सेम रखा हुआ है और ये सभी वर्जन फिलहाल में ऑफिशियली ऑफिशियलीस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देख सकते हो किसी का भाई किसी की जान के बारे में बातचीत करें तो फिल्म को डेरेक्ट किया हुआ फराज शाम जी ने हिंदी एडेप्टन है वो फराज शाम जी स्पर्स खेतरपाल और तासा हमरा ने मिलकर किया हुआ है डायलॉग स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन है वो फराज सामजी ने किया हुआ था इसके अलावा सलमा खान के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वैसे इस फिल्म को पहले नडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट के नीचे प्रोड्यूस किया जाने वाला था उनके पास जिगर ठंडा और वीरम दोनों फिल्म के राइट थे जहाँ पे जिगर ठंडा को बाद में इस फिल्म को बच्चन पांडे के नाम से बनाया गया था जिसको भी फराज सामजी ने ही डिरेक्ट किया था जहाँ पे उस फिल्म का नाम पहले लैंड ऑफ लुंगी था वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी और उसी समय के दौरान सलमान खान और फराज शाम जी के बीच में कुछ बातचीत बातचीत हुई थी कि वीरम फिल्म की कहानी को यहीं रोक देते इसके ऊपर हम फिल्म नहीं बनाते लेकिन सलमान खान को उसके ऊपर फिल्म बनानी थी इस वजह से उन्होंने नडियादवाला के पास से सारे राइट्स खरीद लिए रेमिक के राइट्स और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से नडियादवाला वाला वॉकआउट हो गए सलमान खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया किसी का भाई किसी की जान जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये फिल्म तमिल फिल्म विरम का रीमेक है जहाँ पे सेम टू सेम रीमेक तो नहीं है स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो सेम है लेकिन उसमें 2023 के हिसाब से चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि विरम 2014 में रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में वो भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा डिरेक्ट किया हुआ था शिवा ने वहीं पर लीड रोल में अजीत कुमार तमन्ना भाटिया थे इसके अलावा काफी लंबी सपोर्टिंग कास्ट थी वीरम बॉक्स ऑफिस पे करीबन काफी बड़ा कलेक्शन किया हुआ था पैंतालीस करोड़ के बजट की फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का 2017 में बजट था बॉक्स ऑफिस पे चालीस करोड़ का, का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे फिल्म उस काइंड ऑफ कुछ वर्क करके नींद नहीं दी थी उसके बाद में फिल्म का कनाडा वर्जन भी क्रिएट किया गया था जिसका नाम ओडिया था जिसको 2019 में रिलीज किया वो एक एक्शन ड्रामा जोनर वाला फिल्म था जिस श्रीधर ने लिखा हुआ था दर्शन तो लीड रोल में थे उनके अपोजिट सना थी मैया ने को कास्ट किया गया था देवराज और पी रविशंकर को भी इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट सक्सेस हासिल की हुई थी एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि जो वीरम या कटम राइडू है या ओडिया तीनों के राइट से वो फिलहाल में गोलमाइंस के पास है और ये तीन फिल्म तीनों फिल्मों को उन्होंने हिंदी डब करवाया हुआ है सेम नाम के साथ जहाँ पे वीरम को वीरम दी पावर नाम दिया हुआ है कटम राइडू का नाम सेम है ओडिया का भी नाम सेम रखा हुआ है और ये सभी वर्जन फिलहाल में ऑफिशियली ऑफिशियलीस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देख सकते हो किसी का भाई किसी की जान के बारे में बातचीत करें तो फिल्म को डेरेक्ट किया हुआ फराज शाम जी ने हिंदी एडप्टेशन है वो फराज शाम जी स्पर्स खेतरपाल और तासा हमरार ने मिलकर किया हुआ है डायलॉग स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन है वो फराज समझी ने किया हुआ था इसके अलावा सलमा खान के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वैसे इस फिल्म को पहले नडियाद वाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट के नीचे प्रोड्यूस किया जाने वाला था उनके पास जिगर थंडा और वीरम दोनों फिल्म के राइट थे जहाँ पे जिगर थंडा को बाद में उस फिल्म को बच्चन पांडे के नाम से बनाया गया था जिसको भी फराज सामजी ने ही डिरेक्ट किया था जहाँ पे उस फिल्म का नाम पहले लैंड ऑफ लुंगी था वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी और उसी समय के दौरान सलमान खान और फराज शाम जी के बीच में कुछ बातचीत बातचीत हुई थी कि वीरम फिल्म की कहानी को यहीं रोक देते इसके ऊपर हम फिल्म नहीं बनाते लेकिन सलमान खान को उसके ऊपर फिल्म बनानी थी इस वजह से उन्होंने नडियादवाला के पास से सारे राइट्स ख़रीद लिए रेमिक के राइट्स और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से नडियादवाला वॉकआउट हो गए सलमान खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फ़ैसला लिया जहाँ पे सलमान खान उनकी माँ के द्वारा सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फ़ैसला लिया गया उसके बाद में फिल्म को कभी कभी दिवाली नाम के साथ अनाउंस किया था दस जनवरी 2020 को उसके बाद में इस फिल्म को काफ़ी लंबा पोस्टपोन किया गया था कोविड के बीच में फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी फिल्म को फिर से भाईजान नाम टाइटल के साथ रिवाइव किया गया और उसके बाद में अगस्त दो में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला किसी का भाई किसी की जानी फिल्म नाम से आने वाली है तो इस तरह से मल्टीपल चेंजेस हुए इससे पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि फिल्म बंद होने के कगार पर थी लेकिन फिर भी फिल्म को बना के रिलीज़ किया गया था तो इस तरह से फिल्म के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश जगपति जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे जिसमें इस फिल्म के कास्टिंग पूजा हेगड़े को फीमेल लीड के तौर पे फरवरी 2020 में ही कास्ट कर लिया था दिसंबर 2021 हज़ार इक्कीस में वेंकटेश ने ज्वाइन किया हुआ था सेट को क्योंकि चीज़ें बार बार पोस्पोंड हो रही थी तो एक्टर्स भी कास्ट नहीं किए गए थे और तकदीर वाला जो नाइनटीन में फिल्म आई थी जिसमें वेंकटेश लीड रोल में थे तो उस फिल्म के बाद उनका हिंदी सिनेमा में इज कम्बे के तौर पर फिल्म थी उसके बाद में जैसे सिद्धार्थ निगम राघव जुअल को सलमान खान के भाइयों का रोल दिया गया पंजाबी सिनेमा में जो काम कर रही एक्ट्रेस उनको भी इस फिल्म में काम दिया गया था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया गया उसके बाद में इस फिल्म में रामचरण ने एक अपना स्पेशल अपीर भी दिया हुआ था तो इस फिल्म के साथ इस तरह से काम किया गया था जहां पर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो बारह मई दो को मुंबई से स्टार्ट की गई थी उसके बाद में जून महीने में प्रोडक्शन को हैदराबाद में ले जाया गया अगस्त दो में वहां पर गाना शूट किया गया था इसके अलावा पोस्टन थे वो लद्दाख में भी शूट किए गए थे उसके बाद में फरवरी 2023 तक फिल्म को रेपअप किया गया उसके बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम किया गया था जहाँ पे 2022 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे पिछली कुछ फिल्मों के राइट्स किसी सलमान खान की सभी फिल्मों के जो राइट्स है वो सी के द्वारा ही खरीदे गए तो यहाँ पर भी म्यूजिक के राइट्स उनके द्वारा खरीदे गए थे गानों की लेंथ करीबन सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड थी फिल्म में करीबन आठ गाने थे पहले गाने का नाम था यंतम्मा जिसके लिरिक्स सबीर अहमद ने लिखे हुए थे म्यूजिक पायल देव ने दिया हुआ था सिंगर विशाल ददलानी पायल देव रफ्तार थे बिल्ली बिल्ली गाने के लिरिक्स कुमार और विकी थ ने लिखे हुए थे सुखबीर ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने गाया हुआ था लगता वाले गाने के लिरिक्स सब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे हिमेश के द्वारा म्यूजिक दिया गया था पलक मुचल कमाल खान के द्वारा गया गवाया गया था वो बल्ले बल्ले गाने को कुमार ने लिखा हुआ था सुखबीर का म्यूजिक था किरण कबीर टीम पी सुखबीर ने मिलकर उसको गाया हुआ था जी रहे थे हम फॉलिंग इन लव जो गाना था उसको सब्बीर अहमद ने लिखा था माल मलिक के द्वारा म्यूजिक दिया गया था सलमान खान ने उसको गाया हुआ था लेट्स डांस छोटू मोटू को देवी श्री प्रसाद ने उसके म्यूजिक और लिरिक्स में काम किया हुआ था एज अ सिंगर के तौर पर उन्होंने गाया भी था उनके साथ सलमान खान यो हनी सिंह नेहा बसीन ने भी उस गाने को गाया था तेरे बिना करके जो गाना था उसको साजिद खान ने लिखा हुआ है म्यूजिक भी उनका ही था और साजिद वाजिद के द्वारा उसको गवाया गया था वहीं पे पर कम्मा करके जो गाना था उसको सबीर अहमद रवि बसरूर किन्नर राजूरी और हरिनी और रवि बसरू ने म्यूजिक किया हुआ था इसके अलावा संतोष वेंकी अरा उडुपी हरिणी वो सुचेता बसुर विजयलक्ष्मी मेहता हल्ले उसको गाया हुआ था तो इस तरह से आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी सत्ताइस मिनट बयालीस सेकंड इन सभी गानों के रेड सी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने बीस अप्रैल दो को इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में साउंड ट्रेक के तौर पर ऑफिशियली यूट्यूब पर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया था अगर फिलहाल में गाने आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो दूसरे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो वी मणिकंदन ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है एडिटिंग मयूरी सावंत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट लंबी ये फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था वहीं पर म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर पूरा फिल्म का रवि बसुर ने किया हुआ है इसके अलावा सिंगल सिंगल गाने कई म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए जहाँ पे रवि बसुर हिमेश रेशमिया साजिद खान सुखबीर पायल देव देवी श्री प्रसाद अमाल मलिक अमाल मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 132 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट था वो जी स्टूडियो के द्वारा करवाया गया था उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी अब कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया हुआ है यानी कि भाईजान का पूजा हेगड़े ने इस फिल्म में गुंडा मेनी भाग्य लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्णन की सिस्टर और भाईजान का लव इंटरेस्ट है वेंकटेश ने इस फिल्म में गुंडा मेनी बालाकृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है जो का रोल था वो भी उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भाग्या के एल्डर ब्रदर है भूमिका चावल आपको राघव जुअल इसके रोल में दिखाई देंगे जो भाईजान के भाई का रोल था जेसी गिल ने भी मोह का रोल प्ले किया हुआ है वो भी भाईजान के एक भाई का ही रोल था सिद्धार्थ निगम ने लव का रोल प्ले किया हुआ है जो, जो भाईजान के भाई का रोल है शेहनाज गिल ने इसमें सुकून का रोल प्ले किया हुआ है जो इसका लव इंटरेस्ट थी।, इस थी।, थी वहीं पे पलक तिवारी ने मुस्कान का रोल प्ले किया हुआ है महावीर के तौर पर रोल प्ले किया हुआ सतीश कौशिक आपको नदीम चाचा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा आसिफ शेख ने डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है तेज सपुर आपको इंस्पेक्टर के रोल में दिखाई देंगे अभिमन्यु सिंह ने त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरानी को कोडा

देती हुई नजर आएगी एज भाग्या के तौर पे जो भाईजान का फॉर्मल लव इंटरेस्ट का रोल था अभी मनु दस्तानी स्पेशल अपीरेंस में दिखाई देंगे उनके अलावा उनके फादर यानी कि हिमालय दस्तानी भी इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस में दिखाई देंगे रामचरण ने कम्यू अपीरेंस हुआ है एज राम के तौर पर यह तम्मा गाने में इसके अलावा यो हनी सिंह एक कैमियो अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे लेस्ट छोटू मोटू गाने के लिए तो इस तरह से इस फिल्म के आर्टिस्ट ने इसमें अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी फिल्म के टीजर को करीबन पच्चीस जनवरी दो को पठान के फिल्म के साथ रिलीज के साथ रिलीज किया गया था ऑफिशियल ट्रेलर था उसको 10 अप्रैल 2023 को रिलीज किया टीजर ट्रेलर को एक पॉजिटिव साइड का रिस्पॉन्स के फिल्म को ईद के मौके के ऊपर रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इक्कीस 20 अप्रैल दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म को थिएटर में जब रिलीज किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन मिले हुए थे जी स्टूडियो के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी करीबन 500 हंड्रेड फाइव थाउजेंड सेवन वर्ल्ड वाइड लेवल पे फिल्म को मिली थी, 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 थी फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पर ईद के मौके के ऊपर इक्कीस अप्रैल दो को थिएटर में रिलीज किया फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स ऑफ रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन सैतीस हजार वोट मिले जिसमें छह पॉइंट छह की हासिल हुई दस में से और इस फिल्म का एक मॉडरेट काइंड ऑफ बस था जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने पंद्रह करोड़ इक्यासी लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे दिन इस फिल्म ने एक अच्छा खासा जंप लिया था करीबन बासठ परसेंट जितना जंप लिया था जहां पे सलमान खान के फैंस ईद के मौके के ऊपर सैटरडे के दिन इस फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दिलवाया पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन ये कलेक्शन और बड़ा सलमान खान के फैन फॉलोइंग के चलते छब्बीस करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने मंडे के दिन जो एक uh, अच्छा एक ऐसा दिन माना जाता है उसके बाद पता चलता है कि फिल्म कहाँ तक जाएगी वहाँ पे भी इस फिल्म ने जो फ्राइडे का कलेक्शन था उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन किया पंद्रह सोलह करोड़ फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे मंडे के दिन फिल्म ने दस करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन छः करोड़ बारह लाख का वेनरडे के दिन चार करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया थर्डे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का इसके साथ साथ इस फिल्म ने पहले वीकेंड में अड़सठ करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में बानवे करोड़ इक्कीस लाख का कलेक्शन किया दूसरे

ओटी सेटेलाइट सभी राइड के पास थे जहां पे फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आपने किसी का भाई किसी की जान फिल्म नहीं देखी और अगर देखना चाहते हो तो फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो तो और इसके अलावा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी के ऊपर किसी का भाई किसी की जान फिल्म को आप आसानी से हिंदी वर्जन में प्रीमी प्रीमियर होते हुए इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान ये फिल्म अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर प् आप देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी सिनेमा जी सिनेमा एचीटी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिसियली टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो किसी का भाई किसी की जान जो दो हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म तमिल फिल्म विरम का रीमेक है जहाँ पे सेम टू सेम रीमेक तो नहीं है स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो सेम है लेकिन उसमें 2023 के हिसाब से चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि विरम 2014 में रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में वो भी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा डिरेक्ट किया हुआ था शिवा ने वहीं पर रोल में अजित कुमार तमन्ना भाटिया थे इसके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट थी विरम बॉक्स ऑफिस पे करीबन काफी बड़ा कलेक्शन किया हुआ था पैंतालीस करोड़ के बजट की फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स

श्रीधर ने लिखा हुआ था दर्शन तो लीड रोल में थे उनके अपोजिट सना थी मैया ने को कास्ट किया गया था देवराज और पी रविशंकर को भी इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट सक्सेस हासिल की हुई थी एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि जो वीरम या कटम राइडू है या ओडिया तीनों के राइट से वो फिलहाल में गोलमाइन्स के पास है और ये तीन फिल्म तीनों फ़िल्मों को उन्होंने हिंदी डब करवाया हुआ है सेम नाम के साथ जहाँ पे वीरम को वीरम दी पावर नाम दिया हुआ है कटम राइडू का नाम सेम है ओडिया का भी नाम सेम रखा हुआ है और ये सभी वर्जन फिलहाल में ऑफिशियली गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देख सकते हो किसी का भाई किसी की जान के बारे में बातचीत करे तो फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ फराज शाम जी ने हिंदी एडेप्टेशन है वो फराज शाम जी स्पर्श खेतरपाल और ताशा भमरा ने मिलकर किया हुआ है डायलॉग स्क्रिप्टिंग और डिरेक्शन है वो फराज शाम जी ने किया हुआ था इसके अलावा सलमा खान के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वैसे इस फिल्म को पहले नडियाधवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट के नीचे प्रोड्यूस किया जाने वाला था उनके पास जिगर थंडा और विरम दोनों फिल्म के राइट थे जहाँ पे जिगर थंडा को बाद में इस फिल्म को बच्चन पांडे के नाम से बनाया गया था जिसको भी फराज शाम ने ही डिरेक्ट किया था जहाँ पे उस फिल्म का नाम पहले लैंड ऑफ लुंगी था वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी और उसी समय के दौरान सलमान खान और फराज शाम जी के बीच में कुछ बातचीत बातचीत हुई थी कि वीरम फिल्म की कहानी को यहीं रोक देते इसके ऊपर हम फिल्म नहीं बनाते लेकिन सलमान खान को उसके ऊपर फिल्म बनानी थी इस वजह से उन्होंने नडियादवाला के पास से सारे राइट्स खरीद लिए रेमिक के राइट्स और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से नडियाधवाला वॉकआउट हो गए सलमान खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया जहाँ पे सलमान खान उनकी माँ के द्वारा सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया गया उसके बाद में फिल्म को कभी कभी दिवाली नाम के साथ अनाउंस किया था दस जनवरी 2020 को उसके बाद में इस फिल्म को काफ़ी लंबा पोस्टपोन किया गया था कोविड के बीच में फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी फिल्म को फिर से भाईजान नाम टाइटल के साथ रिवाइव किया गया और उसके बाद में अगस्त दो में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला किसी का भाई किसी की जानी फिल्म नाम से आने वाली है तो इस तरह से मल्टीपल चेंजेस हुए इससे पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि फिल्म बंद होने के कगार पर थी लेकिन फिर भी फिल्म को बना के रिलीज़ किया गया था तो इस तरह से फिल्म के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश जगपति जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे जिसमें इस फिल्म के कास्टिंग है पूजा हेगड़े को फीमेल लीड के तौर पे फरवरी 2020 में ही कास्ट कर लिया था दिसंबर 2021 हज़ार इक्कीस में वेंकटेश ने ज्वाइन किया हुआ था सेट को क्योंकि चीज़ें बार बार पोस्टपोन्ड हो रही थी तो एक्टर्स भी कास्ट नहीं किए गए थे और तकदीर वाला जो नाइनटीन में फिल्म आई थी जिसमें वेंकटेश लीड रोल में थे तो उस फिल्म के बाद उनका हिंदी सिनेमा में इज अम्बे के तौर पर फिल्म थी उसके बाद में जैसे सिद्धार्थ निगम राघव जुअल को सलमान खान के भाइयों का रोल दिया गया पंजाबी सिनेमा में जो काम कर रही एक्ट्रेस उनको भी इस इस फिल्म फिल्म में 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 काम दिया गया गया था उसके बाद में कहीं गया। उसके बाद बाद कई ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया रामचरण ने एक अपना स्पेशल अपीर भी दिया हुआ था तो इस फिल्म के साथ इस तरह से काम किया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो बारह मई दो को मुंबई से स्टार्ट की गई थी उसके बाद में जून महीने में प्रोडक्शन को हैदराबाद में ले जाया गया अगस्त दो में वहां पर गाना शूट किया गया था इसके अलावा कुछ पोस्टन थे वह लद्दाख में भी शूट किए गए थे उसके बाद में फरवरी 2023 तक फिल्म को रेपअप किया गया उसके बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम किया गया था जहाँ पे 2022 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए थे पिछली कुछ फिल्मों के राइट्स किसी सलमान खान की सभी फिल्मों के जो राइट्स है वो सी के द्वारा ही खरीदे गए तो यहाँ पर भी म्यूजिक के राइट्स उनके द्वारा खरीदे गए थे गानों की लेंथ करीबन सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड थी फिल्म में करीबन आठ गाने थे पहले गाने का नाम था यंतम्मा जिसके लिरिक्स शबीर अहमद ने लिखे हुए थे म्यूज़िक पायल देव ने दिया हुआ था सिंगर विशाल ददलानी पायल देव रफ्तार थे बिल्ली बिल्ली गाने के लिरिक्स कुमार और विकी ने लिखे हुए थे अहमद ने, ने लिखे हुए थे हिमेश के द्वारा म्यूजिक दिया गया था पलक मुचल कमाल खान के द्वारा गया गवाया गया था वो बल्ले बल्ले गाने, गाने को कुमार ने लिखा हुआ था सुखबीर का म्यूजिक था किरण कबीर टीम पी सुखबीर ने मिलकर उसको गाया हुआ था जी रहे थे हम फॉलिंग इन लव जो गाना था उसको सब्बीर अहमद ने लिखा था माल मलिक के द्वारा म्यूजिक दिया गया था सलमान खान ने उसको गाया हुआ था लेट्स डांस छोटू को देवी श्री प्रसाद ने उसके म्यूजिक और लिरिक्स में काम किया हुआ था एज अ सिंगर के तौर पर उन्होंने गाया भी था उनके साथ सलमान खान हनी सिंह नेहा बसी ने भी उस गाने को गाया था तेरे बिना करके जो गाना था उसको साजिद खान ने लिखा हुआ है म्यूजिक भी उनका ही था और साजिद वाजिद के द्वारा उसको गवाया गया था वहीं पे बातुत कम्मा करके जो गाना था उसको सबीर अहमद रवि बसरूर किन्नर राजूरी और रवि बसरूर ने म्यूजिक किया हुआ था इसके अलावा संतोष वेंकी संतोषी हरिणी सुचेता बसुर विजयी मेहता उसको गाया हुआ था तो इस तरह से आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी मिनट सेकंड इन सभी गानों के रेड सी म्यूजिक कंपनी के पास जिन्होंने बीस अप्रैल दो को इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में साउंड ट्रेक के तौर पर ऑफिशियली यूट्यूब पर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया था अगर फिलहाल में गाने आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो सी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो दूसरे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत कर तो मनिकंदन ने सिनेमेटोग्राफी की हुई एडिटिंग मयूर सावंत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को चौवालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट लंबी फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था वहीं पर म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर पूरा फिल्म का रवि बसुर ने किया हुआ है इसके अलावा सिंगल सिंगल गाने कई म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए जहां पर रवि बसुर हिमेश रेशमिया साजिद खान सुखबीर पायल देव देवी श्री प्रसाद अमाल मलिक अमाल मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 132 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट था वो जीक स्टूडियो के द्वारा करवाया गया था उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी अब कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया हुआ है यानी कि भाईजान का पूजा हेगड़े ने इस फिल्म में गुंडा मेनी भाग्य लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्णन की सिस्टर और भाईजान का लव इंटरेस्ट है वेंकटेश ने इस फिल्म में गुंडा मेनी बालाकृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है जो राउट का रोल था वो भी उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भाग्या के एल्डर ब्रदर है भूमिका चावल आपको गुंडा आनंदिनी का रोल प्ले करती नजर आएगी जो वाइफ का रोल और भाग्या की सिस्टर इन इनो का रोल था जगपति बाबू ने कोडाति नागेश्वर का रोल प्ले किया हुआ है जो का बेटा था वहीं राघव जुअल इसके रोल में दिखाई देंगे जो भाईजान के भाई का रोल था जेसी गिल ने भी मोह का रोल प्ले किया हुआ है वो भी भाईजान के एक भाई का ही रोल था सिद्धार्थ निगम ने लव का रोल प्ले किया हुआ है जो भाईजान के भाई का रोल है शेहनाज गिल ने इसमें सुकून का रोल प्ले क्या हुआ है जो इसका क्या लव इंटरेस्ट थी? इस थी, थी वहीं पे पलक तिवारी ने मुस्कान का रोल प्ले किया हुआ है महावीर के तौर पर रोल प्ले किया हुआ सतीश कौशिक आपको नदीम चाचा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा आसिफ शेख ने डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है तेज सप्रो आपको इंस्पेक्टर के रोल में दिखाई देंगे अभिमन्यु सिंह ने त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरानी को कोड़ा का रोल दिया गया था जो नागेश्वर के फादर का रोल था अमित तिवारी आपको दिखाई देंगे जो का बेटा था और का ब्रदर था। वहीं पर रोहिणी हतांगदी ने इसमें कुंडा मेनी पूजली का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्ण और लक्ष्मी के माँ का रोल है फराज शाम ने इसमें फोटोग्राफर का रोल प्ले किया हुआ वेडिंग फोटोग्राफर के रोल में दिखाई देंगे भाग्यश्री आपको स्पेशल अपीरेंस देती हुई नजर आएगी एज ए भाग्या के तौर पे जो भाईजान का फॉर्मल लव इंटरेस्ट का रोल था अभी मनयु दस्तानी स्पेशल अपीरेंस में दिखाई देंगे उनके अलावा उनके फादर यानी कि हिमालय दस्तानी भी इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस में दिखाई देंगे रामचरण ने कैम्यू अपीरेंस दिया हुआ है एज अ राम के तौर पर या तम्मा गाने में इसके अलावा यो, यो हनी सिंह एक कैम्यू अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे लेट छोटू मोटू टु गाने के लिए तो इस तरह से इस फिल्म के आर्टिस्ट ने इसमें अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी फिल्म के टीजर को करीबन पच्चीस जनवरी दो को पठान के फिल्म के साथ रिलीज के साथ रिलीज किया गया था ऑफिशियल ट्रेलर था उसको 10 अप्रैल 2023 को रिलीज किया टीजर ट्रेलर को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स को ईद के मौके के ऊपर रिलीज किया हुआ था जहां पर इक्कीस अप्रैल दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म को थिएटर में जब रिलीज किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन मिले हुए थे जी स्टूडियो के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी करीबन 5,700 स्क्रीन्स लेवल पे फिल्म को मिली, जो जो मिली, मिली इस तरह से ईद के मौके के ऊपर इक्कीस अप्रैल दो को थिएटर में रिलीज किया फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे करीबन सैंतीस हजार वोट मिले जिसमें छह पॉइंट की हासिल हुई दस में से और इस फिल्म का एक मॉडरेट काइंड ऑफ बस था जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने पंद्रह करोड़ इक्यासी लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे दिन इस फिल्म ने एक अच्छा खासा जंप लिया था करीबन बासठ परसेंट जितना जंप लिया था जहां पे सलमान खान के फैंस ईद के मौके के ऊपर सेटरडे के दिन इस फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दिलवाया पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन एक कलेक्शन और बड़ा सलमान खान की फैन फॉलोइंग के चलते छब्बीस करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने मंडे के दिन जो एक uh, अच्छा एक ऐसा दिन माना जाता है उसके बाद पता चलता है कि फिल्म कहाँ तक जाएगी वहाँ पे भी इस फिल्म ने जो फ्राइडे का कलेक्शन था उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन किया पंद्रह सोलह करोड़ फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे मंडे के दिन फिल्म ने दस करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन छः करोड़ बारह लाख का वेनरडे के दिन चार करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया थर्डे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का इसके साथ साथ इस फिल्म ने पहले वीकेंड में अड़सठ करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में बानवे करोड़ इक्कीस लाख का कलेक्शन किया दूसरे

ओ टी टी सेटेलाइट सभी रेड सी के पास थे जहां पे फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आपने किसी का भाई किसी की जान फिल्म नहीं देखी और अगर देखना चाहते हो तो फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो तो और इसके अलावा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी के ऊपर किसी का भाई किसी की जान फिल्म को आप आसानी से हिंदी वर्जन में फिल्मियर प्रीमियर होते हुए इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान ये फिल्म अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकते हो विद फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो किसी का भाई किसी की जान जो दो हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये फिल्म तमिल फिल्म विरम का रीमेक है जहाँ पे सेम टू सेम रीमेक तो नहीं है स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो सेम है लेकिन उसमें 2023 के हिसाब से चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि विरम 2014 में रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में वो भी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा डिरेक्ट किया हुआ था शिवा ने वहीं पर लीड रोल में अजित कुमार तमन्ना भाटिया थे इसके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट थी विरम बॉक्स ऑफिस पे करीबन काफ़ी बड़ा कलेक्शन किया हुआ था पैंतालीस करोड़ के बजट की फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स

एम डी श्रीधर ने लिखा हुआ था दर्शन तो गोदीप लीड रोल में थे उनके अपोजिट सना थी मैया ने को कास्ट किया गया था देवराज और पी रविशंकर को भी इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट सक्सेस हासिल की हुई थी एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि जो वीरम या कटम राइडू है या ओडिया तीनों के राइट से वो फिलहाल में गोल के पास है और ये तीन फिल्म तीनों फ़िल्मों को उन्होंने हिंदी डब करवाया हुआ है सेम नाम के साथ जहाँ पे वीरम को वीरम दी पावर नाम दिया हुआ है कटम राइडू का नाम सेम है ओडिया का भी नाम सेम रखा हुआ है और ये सभी वर्जन फिलहाल में ऑफिशियली कोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देख सकते हो किसी का भाई किसी की जान के बारे में बातचीत करे तो फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ फ़राज शाम जी ने हिंदी एडेप्टेशन है वो फ़राज शाम जी खेतरपाल और ताशा भमरा ने मिलकर किया हुआ है डायलॉग स्क्रिप्टिंग और डिरेक्शन है वो फराज शाम जी, जी ने किया हुआ था इसके अलावा सलमा खान के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वैसे इस फिल्म को पहले नडियादाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट के नीचे प्रोड्यूस किया जाने वाला था उनके पास जिगर ठंडा और वीरम दोनों फिल्म के राइट थे जहाँ पे जिगर ठंडा को बाद में उस फिल्म को बच्चन पांडे के नाम से बनाया गया था जिसको भी फराज शाम जी ने ही डिरेक्ट किया था जहाँ पे उस फिल्म का नाम पहले लैंड ऑफ लुंगी था वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी और उसी समय के दौरान सलमान खान और फराज शाम जी के बीच में कुछ बातचीत बातचीत हुई थी कि वीरम फिल्म की कहानी को यहीं रोक देते इसके ऊपर हम फिल्म नहीं बनाते लेकिन सलमान खान को उसके ऊपर फिल्म बनानी थी इस वजह से उन्होंने नडियादवाला के पास से सारे राइट्स खरीद लिए रेमेक के राइट्स और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से नडियादवाला वॉकआउट हो गए सलमान खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया जहाँ पे सलमा खान उनकी माँ के द्वारा सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया गया उसके बाद में फिल्म को कभी कभी दिवाली नाम के साथ अनाउंस किया था दस जनवरी 2020 को उसके बाद में इस फिल्म को काफ़ी लंबा पोस्टपोन किया गया था कोविड के बीच में फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी फिल्म को फिर से भाईजान नाम टाइटल के साथ रिवाइव किया गया और उसके बाद में अगस्त दो में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला किसी का भाई किसी की जान फिल्म नाम से आने वाली है तो इस तरह से मल्टीपल चेंजेस हुए इससे पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि फिल्म बंद होने के कगार पर थी लेकिन फिर भी फिल्म को बना के रिलीज किया गया था तो इस तरह से फिल्म के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश जगपति जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे जिसमें इस फिल्म के कास्टिंग है पूजा हेगड़े को फीमेल लीड के तौर पे फरवरी 2020 में ही कास्ट कर लिया था दिसंबर 2021 में वेंकटेश ने ज्वाइन किया हुआ था सेट को क्योंकि चीज़ें बार बार पोस्टपोन्ड हो रही थी तो एक्टर्स भी कास्ट नहीं किए गए थे और तकदीर वाला जो नाइनटीन में फिल्म आई थी जिसमें वेंकटेश लीड रोल में थे तो उस फिल्म के बाद उनका हिंदी सिनेमा में इज कम्बे के तौर पर फिल्म थी उसके बाद में जैसे सिद्धार्थ निगम राघव जुहल को सलमान खान के भाइयों का रोल दिया गया पंजाबी सिनेमा में जो काम कर रही एक्ट्रेस गिल उनको भी इस फिल्म में काम दिया गया था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया गया उसके बाद में इस फिल्म में रामचरण ने एक अपना स्पेशल अपीरस भी दिया हुआ था तो इस फिल्म के साथ इस तरह से काम किया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो बारह मई दो को मुंबई से स्टार्ट की गई थी उसके बाद में जून महीने में प्रोडक्शन को हैदराबाद में ले जाया गया अगस्त दो में वहाँ पे गाना शूट किया गया था इसके अलावा कुछ पोस्टन थे वो लद्दाख में भी शूट किए गए थे उसके बाद में फरवरी 2023 तक फिल्म को रेपअप किया गया उसके बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम किया गया था जहाँ पर दो में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे पिछली कुछ फिल्मों के राइट्स किसी सलमान खान की सभी फिल्मों के जो राइट्स है वो जी के द्वारा ही खरीदे गए तो यहाँ पर भी म्यूजिक के राइट्स उनके द्वारा खरीदे गए थे गानों की लेंथ करीबन सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड थी फिल्म में करीबन आठ गाने थे पहले गाने का नाम था यंत माँ जिसके लिरिक्स शबीर अहमद ने लिखे हुए थे म्यूज़िक पायल देव ने दिया हुआ था सिंगर विशाल ददलानी पायल देव रफ्तार थे बिल्ली बिल्ली गाने के लिरिक्स कुमार और विकी ने लिखे हुए थे सुखबीर ने म्यूजिक दिया हुआ उन्होंने गाया हुआ था नई लगता वाले गाने के लिरिक्स सबीर अहमद ने लिखे हुए थे हिमेश के द्वारा म्यूजिक दिया गया था पलक मुचल कमाल खान के द्वारा गया गवाया गया था वो बल्ले बल्ले गाने को कुमार ने लिखा हुआ था सुखबीर का म्यूजिक था किरण कबीर टीम सुखबीर ने मिलकर उसको गाया हुआ था जी रहे थे हम फॉलिंग इन लव जो गाना था उसको सब्बीर अहमद ने लिखा हुआ था माल मलिक के द्वारा म्यूजिक दिया गया था सलमान खान ने उसको गाया हुआ था लेट्स डांस छोटू मोटू को देवी श्री प्रसाद ने उसके म्यूजिक और लिरिक्स में काम किया हुआ था एज अ सिंगर के तौर पर उन्होंने गाया भी था उनके साथ सलमान खान यो हनी सिंह नेहा बसीन ने भी उस गाने को गाया था तेरे बिना करके जो गाना था उसको साजिद खान ने लिखा हुआ है म्यूजिक भी उनका ही था और साजिद वाजिद के द्वारा उसको गवाया गया था वहीं पे बात उत्मा करके जो गाना था उसको सबीर अहमद रवि बसरूर किन्नर राज और हरिनी इवातोरी और रवि बसुर ने म्यूज़िक दिया हुआ था इसके अलावा संतोष वेंकी आयरा उडुप्पी हरिणी इवातोरी सुचेता बसरु विजयलक्ष्मी मेहता हो उसको गाया हुआ था तो इस तरह से आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड इन सभी गानों के रेड जी म्यूज़िक कंपनी के पास जिन्होंने बीस अप्रैल दो को इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में से साउंड ट्रैक के तौर पर ऑफिशियली यूट्यूब पर और उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ किया था अगर फिलहाल में गाने आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री मेस सुन सकते हो दूसरे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो वी मणिकंदन ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है एडिटिंग मयूरेश सावंत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट लंबी फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था वहीं पर म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर पूरा फिल्म का रवि बसुर ने किया हुआ है इसके अलावा सिंगल सिंगल गाने कई म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए जहाँ पे रवि बसुर हिमेश रे साजिद खान सुखबीर पायल देव देवी श्री प्रसाद अमाल मल अमाल मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक करोड़ के बजट में बनाया हुआ था वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट था वो जी स्टूडियो के द्वारा करवाया गया था उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी अब कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया हुआ है यानी कि भाईजान का पूजा हेगड़े ने इस फिल्म में गुंडा मेनी भाग्य लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्णन की सिस्टर और भाईजान का लव इंटरेस्ट है वेंकटेश ने इस फिल्म में गुंडा मेनी बालाकृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है जो राउट का रोल था वो भी उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भाग्या के एल्डर ब्रदर है भूमिका चावल आपको गुंडा मिनी आनंदिनी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो बालाकृष्णन की वाइफ का रोल और भाग्या की सिस्टर इन इंगो का रोल था जगपति बाबू ने कोडाति नागेश्वर का रोल प्ले किया हुआ है जो का बेटा था वहीं राघव जोहेल इसके रोल में दिखाई देंगे जो भाईजान के भाई का रोल था जेसी गिल ने भी मोह का रोल प्ले किया हुआ है वो भी भाईजान के एक भाई का ही रोल था सिद्धार्थ निगम ने लव का रोल प्ले किया हुआ है जो भाईजान के भाई का रोल है सेहनाज गिल ने इसमें सुकून का रोल प्ले

देती हुई नजर आएगी एज भाग्या के तौर पे जो भाईजान का फॉर्मल लव इंटरेस्ट का रोल था अभी मनु दस्तानी स्पेशल अपीरेंस में दिखाई देंगे उनके अलावा उनके फादर यानी कि हिमालय भी इस फिल्म में स्पेशल में दिखाई देंगे रामचरण एक कैमियो अपीस दिया हुआ है एजा राम के तौर पर तम्मा गाने में इसके अलावा यो, यो हनी सिंह एक कैमियो अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे लेटू मोटू गाने के लिए तो इस तरह से इस फिल्म के आर्टिस्ट ने इसमें अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी फिल्म के टीजर को करीबन पच्चीस जनवरी दो को पठान के फिल्म के साथ रिलीज के साथ रिलीज

फाइव थाउजेंड सेवन वर्ल्ड वाइड लेवल पे फिल्म को मिली थी 400 सॉरी 45 4,500 4,500 यानी कि 45,000 जो जो स्क्रीन्स थी वो इंडिया में मिली हुई थी 1,200 हंड्रेड थी ओवरसीज मार्केट में मिली हुई थी इस तरह से 5,700 स्क्रीन्स के साथ फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पे ईद के मौके के ऊपर इक्कीस अप्रैल दो को थिएटर में रिलीज किया फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे करीबन सैंतीस हजार वोट मिले जिसमें छे पॉइंट छे किसान रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म का एक मॉडरेट काइंड ऑफ बस था जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने पंद्रह करोड़ इक्यासी लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे दिन इस फिल्म ने एक अच्छा खासा जंप लिया था करीबन बासठ परसेंट जितना जंप लिया था जहां पे सलमान खान के फैंस ईद के मौके के ऊपर सेटरडे के दिन इस फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दिलवाया पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन एक कलेक्शन और बड़ा सलमान खान की फैन फॉलोइंग के चलते छब्बीस करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने मंडे के दिन जो एक 个。Uh अच्छा एक ऐसा दिन माना जाता है उसके बाद पता चलता है कि फिल्म कहाँ तक जाएगी वहाँ पे भी इस फिल्म ने जो फ्राइडे का कलेक्शन था उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन किया पंद्रह सोलह करोड़ फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे मंडे के दिन फिल्म ने दस करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन छः करोड़ बारह लाख का वेनरडे के दिन चार करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया थर्डे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का इसके साथ साथ इस फिल्म ने पहले वीकेंड में अड़सठ करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में बानवे करोड़ इक्कीस लाख का कलेक्शन किया दूसरे

इक्यावन करोड़ के आसपास का था इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का जो बजट था वो 132 करोड़ था तो ये बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे सलमान खान ने कोविड के बाद जो एक फिल्म रिलीज़ की उसके बाद में उनकी एक सक्सेसफुल फिल्म की, फिल्म कह है सकते हैं तो एक डिसेंट सक्सेस के साथ फिल्म रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पे चल गई उसके बाद में इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट जैसे कि मैंने कहा कि कई फिल्मों के सीख के द्वारा ही खरीदे गए तो इस फिल्म के भी ओ टी राइड्स जी स्टूडियो के ही पास थे म्यूजिक ओटीटी सैटेलाइट सभी राइड्स सी के ही पास थे जहां पे फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आपने किसी का भाई किसी की जान फिल्म नहीं देखी और अगर देखना चाहते हो तो फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देख सकते हो तो और इसके अलावा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी के ऊपर किसी का भाई किसी की जान फिल्म को आप आसानी से हिंदी वर्जन में प्रीमियर प्रीमियर होते हुए इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान ये फिल्म अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी सिनेमा जी सिनेमा एची चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो किसी का भाई किसी की जान जो दो हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये फिल्म तमिल फिल्म विरम का रीमेक है जहाँ पे सेम टू सेम रीमेक तो नहीं है स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो सेम है लेकिन उसमें 2023 के हिसाब से चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि विरम 2014 में रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में वो भी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा डिरेक्ट किया हुआ था शिवा ने वहीं पर लीड रोल में अजीत कुमार तमन्ना भाटिया थे इसके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट थी विरम बॉक्स ऑफिस पे करीबन काफ़ी बड़ा कलेक्शन किया हुआ था पैंतालीस करोड़ के बजट की फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स

स्क्रीन प्ले डिर एम डी श्रीधर ने लिखा हुआ था दर्शन तो लीड रोल में थे उनके अपोजिट सना थी मैया ने को कास्ट किया गया था देवराज और पी रविशंकर को भी इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट सक्सेस हासिल की हुई थी एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि जो वीरम या कटम राइडू है या ओडिया तीनों के राइड्स है वो फिलहाल में गोलमाइंस के ही पास है और ये तीनों फिल्म तीनों फ़िल्मों को उन्होंने हिंदी डब करवाया हुआ है सेम नाम के साथ जहाँ पे वीरम को वीरम दी पावर नाम दिया हुआ है कटम राइडू का नाम सेम है ओडिया का भी नाम सेम रखा हुआ है और ये सभी वर्जन फिलहाल में ऑफिशियली गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देख सकते हो किसी का भाई किसी की जान के बारे में बातचीत करें तो फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ फ़राज साम जी ने हिंदी एडप्टेसन है वो फ़राज शाम जी खेतरपाल और ताशा भमरा ने मिलकर किया हुआ है डायलॉग स्क्रिप्टिंग और डिरेक्शन है वो फराज साम जी ने किया, फराज ने किया हुआ था इसके अलावा सलमा खान के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वैसे इस फिल्म को पहले नडियाधवाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट के नीचे प्रोड्यूस किया जाने वाला था उनके पास जिगर ठंडा और वीरम दोनों फिल्म के राइट थे जहाँ पे जिगर ठंडा को बाद में उस फिल्म को बच्चन पांडे के नाम से बनाया गया था जिसको भी फराज शाम जी ने ही डिरेक्ट किया था जहाँ पे उस फिल्म का नाम पहले लैंड ऑफ लुंगी था वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी और उसी समय के दौरान सलमान खान और शाम जी के बीच में कुछ बातचीत बातचीत हुई थी कि वीरम फिल्म की कहानी को यहीं रोक देते इसके ऊपर हम फिल्म नहीं बनाते लेकिन सलमान खान को उसके ऊपर फिल्म बनानी थी इस वजह से उन्होंने नडियादवाला के पास से सारे राइट्स खरीद लिए रेमिक के राइट्स और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से नडियादवाला वॉकआउट हो गए सलमान खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया जहाँ पे सलमान खान उनकी माँ के द्वारा सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया गया उसके बाद में फिल्म को कभी कभी दिवाली नाम के साथ अनाउंस किया था 10 जनवरी दो 2020 को उसके बाद में इस फिल्म को काफ़ी लंबा पोस्टपोन किया गया था कोविड के बीच में फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी फिल्म को फिर से भाईजान नाम के टाइटल के साथ रिवाइव किया गया और उसके बाद में अगस्त दो में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला किसी का भाई किसी की जान फिल्म नाम से आने वाली है तो इस तरह से मल्टीपल चेंजेस हुए इससे पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि फिल्म बंद होने के कगार पर थी लेकिन फिर भी फिल्म को बना के रिलीज़ किया गया था तो इस तरह से फिल्म के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश जगपति जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे जिसमें इस फिल्म के कास्टिंग है पूजा हेगड़े को फीमेल लीड के तौर पे फरवरी 2020 में ही कास्ट कर लिया था दिसंबर 2021 में वेंकटेश ने ज्वाइन किया हुआ था सेट को क्योंकि चीज़ें बार बार पोस्टपोन्ड हो रही थी तो एक्टर्स भी कास्ट नहीं किए गए थे और तकदीर वाला जो नाइनटीन में फिल्म आई थी जिसमें वेंकटेश लीड रोल में थे तो उस फिल्म के बाद उनका हिंदी सिनेमा में एज कम्बे के तौर पर फिल्म थी उसके बाद में जैसे सिद्धार्थ निगम राघव जोहल को सलमान खान के भाइयों का रोल दिया गया पंजाबी सिनेमा में जो काम कर रही एक्ट्रेस गिल उनको भी इस फिल्म में काम दिया गया था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया गया उसके बाद में इस फिल्म में रामचरण ने एक अपना स्पेशल अपीरेंस भी दिया हुआ था तो इस फिल्म के साथ इस तरह से काम किया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो बारह मई दो को मुंबई से स्टार्ट की गई थी उसके बाद में जून महीने में प्रोडक्शन को हैदराबाद में ले जाया गया अगस्त दो में वहां पर गाना शूट किया गया था इसके अलावा कुछ पोस्टन थे वो लद्दाख में भी शूट किए गए थे उसके बाद में फरवरी 2023 तक फिल्म को रैपअप किया गया उसके बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम किया गया था जहाँ पे 2022 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे पिछली कुछ फिल्मों के राइट्स किसी सलमान खान की सभी फिल्मों के जो राइट्स है वो सी के द्वारा ही खरीदे गए तो यहाँ पर भी म्यूजिक के राइट्स उनके द्वारा खरीदे गए थे गानों की लेंथ करीबन सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड थी फिल्म में करीबन आठ गाने थे पहले गाने का नाम था यंतम्मा जिसके लिरिक्स शबीर अहमद ने लिखे हुए थे म्यूज़िक पायल देव ने दिया हुआ था सिंगर विशाल ददलानी पायल देव रफ्तार थे बिल्ली बिल्ली गाने के लिरिक्स कुमार और विकी धंदू ने लिखे हुए थे सुखबीर ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने गाया हुआ था नैय लगता वाले गाने के लिरिक्स सब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे हिमेश के द्वारा म्यूजिक दिया गया था पलक मुचल कमाल खान के द्वारा गया गवाया गया था वो बल्ले बल्ले गाने को कुमार ने लिखा हुआ था सुखबीर का म्यूजिक था किरण कबीर टीम टिम्पी सुखबीर ने मिलकर उसको गाया हुआ था जी रहे थे हम फॉलिंग इन लव जो गाना था उसको सब्बीर अहमद ने लिखा हुआ था माल मलिक के द्वारा म्यूजिक दिया गया था सलमान खान ने उसको गाया हुआ था लेट्स डांस छोटू मोटू को देवी श्री प्रसाद ने उसके म्यूजिक और लिरिक्स में काम किया हुआ था एज अ सिंगर के तौर पर उन्होंने गाया भी था उनके साथ सलमान खान यो हनी सिंह नेहा बसीन ने भी उस गाने को गाया था तेरे बिना करके जो गाना था उसको साजिद खान ने लिखा हुआ है म्यूजिक भी उनका ही था और साजिद वाजिद के द्वारा उसको गवाया गया था वहीं पे बात उत्मा करके जो गाना था उसको सबीर अहमद रवि बसरूर किन्नर राज और हरिनी इवातोरी और रवि बसरु ने म्यूज़िक दिया हुआ था इसके अलावा संतोष वेंकी आरा उडपी हरिणी इवातोरी सुचेता बसुर बसरु विजयलक्ष्मी मेहता ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड इन सभी गानों के रेड जी म्यूज़िक कंपनी के पास जिन्होंने बीस अप्रैल दो को इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में से साउंड ट्रैक के तौर पर ऑफिशियली यूट्यूब पर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ किया था अगर फिलहाल में गाने आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो दूसरे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो वी मनिकंदन ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है एडिटिंग मयूरी सावंत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट लंबी फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था वहीं पर म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर पूरा फिल्म का रवि बसुर ने किया हुआ है इसके अलावा सिंगल सिंगल गाने कई म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए जहाँ पे रवि बसुर हिमेश रे समय साजिद खान सुखबीर पायल देव देवी श्री प्रसाद अमाल मल अमाल मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 132 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट था वो जी स्टूडियो के द्वारा करवाया गया था उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी अब कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया हुआ है यानी कि भाईजान का पूजा हेगड़े ने इस फिल्म में गुंडा मेनी भाग्य लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्णन की सिस्टर और भाईजान का लव इंटरेस्ट है वेंकटेश ने इस फिल्म में गुंडा मेनी बालाकृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है जो राउंड का रोल था वो भी उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भाग्या के एल्डर ब्रदर है भूमिका चावल आपको गुंडा मिनी आनंदिनी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो वाइफ का रोल और भाग्या की सिस्टर इन लोग का रोल था जगपति बाबू ने कोडाति नागेश्वर का रोल प्ले किया हुआ है जो का बेटा था वहीं राघव जोहैल इसके रोल में दिखाई देंगे जो भाईजान के भाई का रोल था जेसी गिल ने भी मोह का रोल प्ले किया हुआ है वो भी भाईजान के एक भाई का ही रोल था सिद्धार्थ निगम ने लव का रोल प्ले किया हुआ है जो भाईजान के भाई का रोल है सेहनाज गिल ने इसमें सुकून का रोल प्ले

का रोल दिया गया था जो नागेश्वर के फादर का रोल था अमित तिवारी आपको दिखाई देंगे सेकंड बेटा था और नागेश्वर ब्रदर था वहीं पर रोहिणी हतांगी ने इसमें कुंडा मेनी पूजली का रोल प्ले किया है जो बालाकृष्ण और भाग्यलक्ष्मी के माँ का रोल है फराज शाम ने इसमें फोटोग्राफर का रोल प्ले किया वेडिंग फोटोग्राफर के रोल में दिखाई देंगे भाग्यश्री आपको स्पेशल अपीरेंस

रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म का एक मॉडरेट काइंड ऑफ बस था जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने पंद्रह करोड़ इक्यासी लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे दिन इस फिल्म ने एक अच्छा खासा जंप लिया था करीबन बासठ जितना जंप लिया था जहाँ पे सलमान खान के फैंस ईद के मौके के ऊपर सैटरडे के दिन इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स दिलवाया पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन ये कलेक्शन और बड़ा सलमान खान की फैन फॉलोइंग के चलते छब्बीस करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने मंडे के दिन जो एक अच्छा एक ऐसा दिन माना जाता है उसके बाद पता चलता है कि फिल्म कहाँ तक जाएगी वहाँ पे भी इस फिल्म ने जो फ्राइडे का कलेक्शन था उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन किया पंद्रह सोलह करोड़ फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे मंडे के दिन फिल्म ने दस करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन छः करोड़ बारह लाख का वेनरडे के दिन चार करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया थर्डे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का इसके साथ इस फिल्म ने पहले वीकेंड में अड़सठ करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में बानवे करोड़ इक्की इक्कीस लाख का कलेक्शन किया दूसरे

पा इक्यावन करोड़ के आसपास का था इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का जो बजट था वो 132 करोड़ था तो ये बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे सलमान खान ने कोविड के बाद जो एक फिल्म रिलीज़ की उसके बाद में उनकी एक सक्सेसफुल फिल्म फिल्म कह है सकते हैं तो एक डिसेंट सक्सेस के साथ फिल्म रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर चल गई उसके बाद में इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट ट्रेड जैसे मैंने कहा कि कई फिल्मों के सीख के द्वारा ही खरीदे गए तो इस फिल्म के भी ओ टी राइड्स जी स्टूडियो के ही पास थे म्यूजिक ओ टी सभी राइड्स सी के ही पास थे जहां पे फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आपने किसी का भाई किसी की जान फिल्म नहीं देखी और अगर देखना चाहते हो तो फिलहाल में ओटी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो तो और इसके अलावा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी के ऊपर किसी का भाई किसी की जान फिल्म को आप आसानी से हिंदी वर्जन में फिल्मी प्रीमियर होते हुए इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान ये फिल्म अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्रेंग जी फाइव के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो किसी का भाई किसी की जान जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये फिल्म तमिल फिल्म विरम का रीमेक है जहाँ पे सेम टू सेम रीमेक तो नहीं है स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो सेम है लेकिन उसमें 2023 के हिसाब से चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि विरम 2014 में रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में वो भी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा डिरेक्ट किया हुआ था शिवा ने वहीं पर लीड रोल में अजित कुमार तमन्ना भाटिया थे इसके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट थी विरम बॉक्स ऑफिस पे करीबन काफ़ी बड़ा कलेक्शन किया हुआ था पैंतालीस करोड़ के बजट की फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का ने लीड रोल में बजट था बॉक्स ऑफिस पे चालीस करोड़ का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे फिल्म उस काइंड ऑफ कुछ वर्क करके नहीं दी थी उसके बाद में फिल्म का कनाडा वर्जन भी क्रिएट किया गया था जिसका नाम ओडिया था जिसको 2019 में रिलीज किया वो एक एक्शन ड्रामा जोनर वाला फिल्म था जिसका स्क्रीन प्ले डिरेक्शन एम डी श्रीधर ने लिखा हुआ था दर्शन तो गुदीप लीड रोल में थे उनके अपोजिट सना थी महिया ने को कास्ट किया गया था देवराज और पी रविशंकर को भी इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट सक्सेस हासिल की हुई थी एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि जो वीरम या कटम राइडू है या ओडिया तीनों के राइट्स है वो फिलहाल में गोल के ही पास है और ये तीनों फिल्म तीनों फ़िल्मों को उन्होंने हिंदी डब करवाया हुआ है सेम नाम के साथ जहाँ पे वीरम को वीरम दी पावर नाम दिया हुआ है कटम राइडू का नाम सेम है ओडिया का भी नाम सेम रखा हुआ है और ये सभी वर्जन फ़िलहाल में ऑफिशियली माइन्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देख सकते हो किसी का भाई किसी की जान के बारे में बातचीत करें तो फिल्म को डायरेक्ट किया फ़राज शाम जी ने हिंदी एडप्टेसन है वो फ़राज शाम जी स्पर्स खेतरपाल और ताशा भमरा ने मिलकर किया हुआ है डायलॉग स्क्रिप्टिंग और डिरेक्शन है वो फराज साम जी ने किया हुआ था इसके अलावा सलमा खान के द्वारा फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वैसे इस फिल्म को पहले नडियादाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट के नीचे प्रोड्यूस किया जाने वाला था उनके पास जिगर ठंडा और वीरम दोनों फिल्म के राइट थे जहाँ पे जिगर ठंडा को बाद में उस फिल्म को बच्चन पांडे के नाम से बनाया गया था जिसको भी फराज शाम जी ने ही डिरेक्ट किया था जहाँ पे उस फिल्म का नाम पहले लैंड ऑफ लुंगी था वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी और उसी समय के दौरान सलमान खान और और शाम जी के बीच में कुछ बातचीत बाच्ची, बातचीत हुई थी कि वीरम फिल्म की कहानी को यहीं रोक देते इसके ऊपर हम फिल्म नहीं बनाते लेकिन सलमान खान को उसके ऊपर फिल्म बनानी थी इस वजह से उन्होंने नडियादवाला के पास से सारे राइट्स खरीद लिए रेमिक के राइट्स और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से नडियादवाला वॉकआउट हो गए सलमान खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया जहाँ पे सलमान खान उनकी माँ के द्वारा सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया गया उसके बाद में फिल्म को कभी कभी दिवाली नाम के साथ अनाउंस किया था दस जनवरी दो 2020 को उसके बाद में इस फिल्म को काफ़ी लंबा पोस्टपोन किया गया था कोविड के बीच में फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी फिल्म को फिर से भाईजान नाम टाइटल के साथ रिवाइव किया गया और उसके बाद में अगस्त दो में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला किसी का भाई किसी की जान फिल्म नाम से आने वाली है तो इस तरह से मल्टीपल चेंजेस हुए इससे पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि फिल्म बंद होने के कगार पर थी लेकिन फिर भी फिल्म को बना के रिलीज़ किया गया था तो इस तरह से फिल्म के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश जगपति जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे जिसमें इस फिल्म के कास्टिंग है पूजा हेगड़े को फीमेल लीड के तौर पे फरवरी 2020 में ही कास्ट कर लिया था दिसंबर 2021 में वेंकटेश ने ज्वाइन किया हुआ था सेट को क्योंकि चीज़ें बार बार पोस्टपोन हो रही थी तो एक्टर्स भी कास्ट नहीं किए गए थे और तकदीर वाला जो नाइनटीन में फिल्म आई थी जिसमें वेंकटेश लीड रोल में थे तो उस फिल्म के बाद उनका हिंदी सिनेमा में एज अ अम्बे के तौर पर फिल्म थी उसके बाद में जैसे सिद्धार्थ निगम राघव जुआल को सलमान खान के भाइयों का रोल दिया गया पंजाबी सिनेमा में जो काम कर रही है एक्ट्रेस गिल उनको भी इस फिल्म में काम दिया गया था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया गया उसके बाद में इस फिल्म में रामचरण ने एक अपना स्पेशल अपीर भी दिया हुआ था तो इस फिल्म के साथ इस तरह से काम किया गया था जहां पर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो बारह मई दो को मुंबई से स्टार्ट की गई थी उसके बाद में जून महीने में प्रोडक्शन को हैदराबाद में ले जाया गया अगस्त दो में वहां पर गाना शूट किया गया था इसके अलावा पोस्टन थे वो लद्दाख में भी शूट किए गए थे उसके बाद में फरवरी 2023 तक फिल्म को रेपअप किया गया उसके बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम किया गया था जहाँ पे 2022 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए थे पिछली कुछ फिल्मों के राइट्स किसी सलमान खान की सभी फिल्मों के जो राइट्स है वो जी के द्वारा ही खरीदे गए तो यहाँ पर भी म्यूजिक के राइट्स उनके द्वारा खरीदे गए थे गानों की लेंथ करीबन सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड थी फिल्म में करीबन आठ गाने थे पहले गाने का नाम था यंतम्मा जिसके लिरिक्स सबीर अहमद ने लिखे हुए थे म्यूज़िक पायल देव ने दिया हुआ था सिंगर विशाल ददलानी पायल देव रफ्तार थे बिल्ली बिल्ली गाने के लिरिक्स कुमार और विकी धंधु ने लिखे हुए थे सुखबीर ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने गाया हुआ था नहीं लगता वाले गाने के लिरिक्स सब्बीर अहमद ने लिखे हुए थे हिमेश के द्वारा म्यूजिक दिया गया था पलक मुचल कमाल खान के द्वारा गया गवाया गया था वो बल्ले बल्ले गाने को कुमार ने लिखा हुआ था सुखबीर का म्यूजिक था किरण कबीर टीम पी सुखबीर ने मिलकर उसको गाया हुआ था जी रहे थे हम फॉलिंग इन लव जो गाना था उसको सब्बीर अहमद ने लिखा हुआ था माल मलिक के द्वारा म्यूजिक दिया गया था सलमान खान ने उसको गाया हुआ था लेट्स डांस छोटू मोटू को देवी श्री प्रसाद ने उसके म्यूजिक और लिरिक्स में काम किया हुआ था एज अ सिंगर के तौर पर उन्होंने गाया भी था उनके साथ सलमान खान यो, यो हनी सिंह नेहा बसीन ने भी उस गाने को गाया था तेरे बिना करके जो गाना था उसको साजिद खान ने लिखा हुआ है म्यूजिक भी उनका ही था और साजिद वाजिद के द्वारा उसको गवाया गया था वहीं पे बात उतकमा करके जो गाना था उसको सबीर अहमद रवि बसरूर किन्नर राज और हरिणी इवातोरी और रवि बसुर ने म्यूज़िक दिया हुआ था इसके अलावा संतोष वेंकी आरा उडपी हरिणी ईवातूरी सुचेता बसुर विजया लक्ष्मी मेहता होने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड इन सभी गानों के सी म्यूजिक कंपनी के पास जिन्होंने बीस अप्रैल दो को इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में से साउंड ट्रैक के तौर पर ऑफिशियली यूट्यूब पर और उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ किया था अगर फिलहाल में गाने आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो दूसरे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मनिकंदन ने सिनेटोग्राफी की हुई है एडिटिंग सावंत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ चौवालीस का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चौबीस मिनट लंबी फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था वहीं पर म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर पूरा फिल्म का रवि बसुर ने किया हुआ है इसके अलावा सिंगल सिंगल गाने कई म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए जहां जहाँ रवि बसुर हिमेश रेशमिया साजिद खान सुखबीर पायल देव देवी श्री प्रसाद अमाल मलिक अमाल मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 132 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट था वो जिक स्टूडियो के द्वारा करवाया गया था उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी अब कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया हुआ है यानी कि भाईजान का पूजा हेगड़े ने इस फिल्म में गुंडा मेनी भाग्य लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्णन की सिस्टर और भाईजान का लव इंटरेस्ट है वेंकटेश ने इस फिल्म में गुंडा मेनी बालाकृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है जो का रोल था वो भी उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भाग्या के एल्डर ब्रदर है भूमिका चावल आपको गुंडा मिनी आनंदिनी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो वाइफ का रोल और भाग्या की सिस्टर इन इनो का रोल था जगपति बाबू ने कोडाती नागेश्वर का रोल प्ले किया हुआ है जो का बेटा था वहीं पे राघव जोल इसके रोल में दिखाई देंगे जो भाईजान के भाई का रोल था जेसी गिल ने भी मोह का रोल प्ले किया हुआ है वो भी भाईजान के एक भाई का ही रोल था सिद्धार्थ निगम ने लव का रोल प्ले किया हुआ है जो भाईजान के भाई का रोल है शेहनाज गिल ने इसमें सुकून का रोल प्ले

देती हुई नजर आएगी एज भाग्या के तौर पे जो भाईजन का फॉर्मल लव इंटरेस्ट का रोल था अभी मनु दस्तानी स्पेशल अपीरेंस में दिखाई देंगे उनके अला, उनके अलावा फादर यानी कि हिमालय दस्तानी भी इस फिल्म में में स्पेशल दिखाई देंगे दिया हुआ है राम के तौर पर इसके अलावा यो हनी सिंह एक कैम्यू अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे मोटू गाने के लिए तो इस तरह से इस फिल्म के आर्टिस्ट ने इसमें अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी फिल्म के टीजर को करीबन पच्चीस जनवरी दो को पठान के फिल्म के साथ रिलीज के साथ रिलीज किया गया था ऑफिशियल ट्रेलर था उसको 10 अप्रैल 2023 को रिलीज किया टीजर ट्रेलर को एक पॉजिटिव साइड का रिस्पॉन्स के फिल्म को ईद के मौके के ऊपर रिलीज किया हुआ था जहां पे इक्कीस अप्रैल दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म को थिएटर में जब रिलीज किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन मिले हुए थे जी स्टूडियो के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी करीबन 5,700 स्क्रीन्स लेवल फाइव थाउजेंड से वर्ल्ड वाइड लेवल पे ईद के मौके के ऊपर इक्कीस अप्रैल दो को थिएटर में रिलीज किया फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉस मिला जिसके चलते आई पे करीबन सैंतीस हजार वोट मिले जिसमें छह पॉइंट छह की हासिल हुई दस में से और इस फिल्म का एक kind of मॉडरेट ने का नेट कलेक्शन किया दूसरे अच्छा सलमान खान के फैंस ईद के मौके के ऊपर सेटरडे के दिन इस फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दिलवाया पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन ये कलेक्शन और बड़ा सलमान खान के फैन फॉलोइंग के चलते छब्बीस करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने मंडे के दिन जो एक uh अच्छा एक ऐसा दिन माना जाता है उसके बाद पता चलता है कि फिल्म कहाँ तक जाएगी वहाँ पे भी इस फिल्म ने जो फ्राइडे का कलेक्शन था उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन किया पंद्रह सोलह करोड़ फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे मंडे के दिन फिल्म ने दस करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन छः करोड़ बारह लाख का वेनरडे के दिन चार करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया थर्डे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का इसके साथ साथ इस फिल्म ने पहले वीकेंड में अड़सठ करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में बानवे करोड़ इक्कीस लाख का कलेक्शन किया दूसरे

पा इक्यावन करोड़ के आसपास का था इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का जो बजट था वो 132 करोड़ था तो ये बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे सलमान खान ने कोविड के बाद जो एक फिल्म रिलीज़ की उसके बाद में उनकी एक सक्सेसफुल फिल्म फिल्म कह सकते हैं तो एक डिसेंट सक्सेस के साथ फिल्म रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पे चल गई उसके बाद में इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट ट्रेड जैसे कि मैंने कहा कि कई फिल्मों के सी के द्वारा ही खरीदे गए तो इस फिल्म के भी ओ टी राइड्स जी स्टूडियो के ही पास थे म्यूजिक ओ टी सभी राइड्स सी के ही पास थे जहां पे फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आपने किसी का भाई किसी की जान फिल्म नहीं देखी और अगर देखना चाहते हो तो फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में देख सकते हो तो और इसके अलावा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी के ऊपर किसी का भाई किसी की जान फिल्म को आप आसानी से हिंदी वर्जन में प्रीमियर प्रीमियर होते हुए इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान ये फिल्म अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकते हो विथ विथ वहीं इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी सिनेमा जी सिनेमा आई चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो किसी का भाई किसी की जान जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये फिल्म तमिल फिल्म विरम का रीमेक है जहाँ पे सेम टू सेम रीमेक तो नहीं है स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो सेम है लेकिन उसमें 2023 के हिसाब से चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि विरम 2014 में रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में वो भी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा डिरेक्ट किया हुआ था शिवा ने वहीं पर लीड रोल में अजित कुमार तमन्ना भाटिया थे इसके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट थी विरम बॉक्स ऑफिस पे करीबन काफ़ी बड़ा कलेक्शन किया हुआ था पैंतालीस करोड़ के बजट की फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का 2017 हजार सत्रह में कटर रायडूकर नाम से एक रीमेक बनाया गया था जिसमें फिल्म को डरेक्ट किया था किशोर कुमार ने लीड रोल में पवन कुमार सॉरी पवन कल्याण और श्रुति हासन थे पांच पैंतीस करोड़ का बजट था बॉक्स ऑफिस पे चालीस करोड़ का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे फिल्म उस काइंड ऑफ कुछ वर्क करके नींद नहीं दी थी उसके बाद में फिल्म का कनाडा वर्जन भी क्रिएट किया गया था जिसका नाम ओडिया था जिसको 2019 में रिलीज किया वो एक एक्शन ड्रामा जोनर वाला फिल्म था जिसका स्क्रीन प्ले डिरेक्शन एम डी श्रीधर ने लिखा हुआ था दर्शन तो गुदीप लीड रोल में थे उनके अपोजिट सना थी मैया ने को कास्ट किया गया था देवराज और पी रविशंकर को भी इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट सक्सेस हासिल की हुई थी एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि जो वीरम या कटम राइडू है या ओडिया तीनों के राइट से वो फिलहाल में गोल के ही पास है और ये तीनों फिल्म तीनों फ़िल्मों को उन्होंने हिंदी डब करवाया हुआ है सेम नाम के साथ जहाँ पे वीरम को वीरम दी पावर नाम दिया हुआ है कटम राइडू का नाम सेम है ओडिया का भी नाम सेम रखा हुआ है और ये सभी वर्जन फिलहाल में ऑफिशियली कॉलमाइन्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देख सकते हो किसी का भाई किसी की जान के बारे में बातचीत करें तो फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ फ़राज शाम जी ने हिंदी एडेप्टेशन है वो फ़राज शाम जी स्पर्स खेतरपाल और ताशा भमरा ने मिलकर किया हुआ है डायलॉग स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन है वो फ़राज शाम जी ने किया हुआ था इसके अलावा सलमा खान के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वैसे इस फिल्म को पहले नडियाद वाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट के नीचे प्रोड्यूस किया जाने वाला था उनके पास जिगर ठंडा और वीरम दोनों फिल्म के राइट थे जहाँ पे जिगर ठंडा को बाद में उस फिल्म को बच्चन पांडे के नाम से बनाया गया था जिसको भी फराज शाम ने ही डरेक्ट किया था जहाँ पे उस फिल्म का नाम पहले लैंड ऑफ लुंगी था वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी और उसी समय के दौरान सलमान खान और फराज शाम के बीच में कुछ बात बातचीत हुई थी कि वीरम फिल्म की कहानी को यहीं रोक देते इसके ऊपर हम फिल्म नहीं बनाते लेकिन सलमान खान को उसके ऊपर फिल्म बनानी थी इस वजह से उन्होंने नडियादवाला के पास से सारे राइट्स खरीद लिए के राइट्स और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से नडियादवाला वॉकआउट हो गए सलमान खान ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया जहाँ पे सलमा खान उनकी माँ के द्वारा सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया गया उसके बाद में फिल्म को कभी कभी दिवाली नाम के साथ अनाउंस किया था दस जनवरी दो को उसके बाद इस फिल्म को काफी लंबा पोस्टपोन किया गया था कोविड के बीच में फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी फिल्म को फिर से भाईजान नाम टाइटल के साथ रिवाइव किया गया और उसके बाद में अगस्त दो में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला किसी का भाई किसी की जान फिल्म नाम से आने वाली है तो इस तरह से मल्टीपल चेंजेस हुए इससे पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि फिल्म बंद होने के कगार पर थी लेकिन फिर भी फिल्म को बना के रिलीज किया गया था तो इस तरह से फिल्म के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश जगपति जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे जिसमें इस फिल्म के कास्टिंग है पूजा हेगड़े को फीमेल लीड के तौर पे फरवरी 2020 में ही कास्ट कर लिया था दिसंबर 2021 में वेंकटेश ने ज्वाइन किया हुआ था सेट को क्योंकि चीज़ें बार बार पोस्टपोन हो रही थी तो एक्टर्स भी कास्ट नहीं किए गए थे और तकदीर वाला जो नाइनटीन में फिल्म आई थी जिसमें वेंकटेश लीड रोल में थे तो उस फिल्म के बाद उनका हिंदी सिनेमा में इज अ कम्बे के तौर पर फिल्म थी उसके बाद में जैसे सिद्धार्थ निगम राघव जोयल को सलमान खान के भाइयों का रोल दिया गया पंजाबी सिनेमा में जो काम कर रही एक्ट्रेस ए गिल उनको भी इस फिल्म में काम दिया गया था उसके बाद में कई ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया गया उसके बाद में इस फिल्म में रामचरण ने एक अपना स्पेशल अपीरेंस भी दिया हुआ था तो इस फिल्म के साथ इस तरह से काम किया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो बारह मई दो को मुंबई से स्टार्ट की गई थी उसके बाद में जून महीने में प्रोडक्शन को हैदराबाद में ले जाया गया अगस्त दो में वहां पर गाना शूट किया गया था इसके अलावा पोस्टन थे वो लद्दाख में भी शूट किए गए थे उसके बाद में फरवरी 2023 तक फिल्म को रेप अप किया गया उसके बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम किया गया था जहाँ पे 2022 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे पिछली कुछ फिल्मों के राइट्स किसी सलमान खान की सभी फिल्मों के जो राइट्स थो सी के द्वारा ही खरीदे गए तो यहाँ पर भी म्यूज़िक के राइट्स उनके द्वारा खरीदे गए थे गानों की लेंथ करीबन सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड थी फिल्म में करीबन आठ गाने थे पहले गाने का नाम था यंतम्मा जिसके लिरिक्स सबीर अहमद ने लिखे हुए थे म्यूजिक पायल देव ने, हुआ पायल देव बिली बिली ने, ने दिया हुआ था सिंगर विशाल ददलानी पायल देव रफ्तार थे बिल्ली बिल्ली गाने के लिरिक्स कुमार और विकी धंदू ने लिखे हुए थे सुखबीर ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने गाया हुआ था, नहीं था। नहीं लगता वाले गाने के लिरिक्स शब्बी अहमद ने लिखे हुए थे हिमेश के द्वारा म्यूजिक दिया गया था पलक मुचल कमाल खान के द्वारा गया गवाया गया था वो बल्ले बल्ले गाने को कुमार ने लिखा हुआ था सुखबीर का म्यूजिक था किरण कबीर टीम सुखबीर ने मिलकर उसको गाया हुआ था जी रहे थे हम फॉलिंग इन लव जो गाना था उसको सब्बीर अहमद ने लिखा हुआ हुआ था माल मलिक के द्वारा म्यूजिक दिया गया था सलमान खान ने उसको गाया हुआ था लेट्स डांस छोटू मोटू को देवी श्री प्रसाद ने उसके म्यूजिक और लिरिक्स में काम किया हुआ था एज अ सिंगर के तौर पर उन्होंने गाया भी था उनके साथ सलमान खान यू हनी सिंह नेहा बसी ने भी उस गाने को गाया था तेरे बिना करके जो गाना था उसको साजिद खान ने लिखा हुआ है म्यूजिक भी उनका ही था और साजिद वाजिद के द्वारा उसको गवाया गया था वहीं पे बात कम्मा करके जो गाना था उसको सबीर अहमद रवि बसरूर किन्नर राज और हरिणी युवातूरी और रवि बसोरी ने म्यूज़िक दिया हुआ था इसके अलावा संतोष वेंकी आयरा उडुपी हरिणी ईव तूरी सूचे था बसुर विजयलक्ष्मी मेहता होने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी सत्ताईस मिनट बयालीस सेकंड इन सभी गानों के रेड सी म्यूजिक कंपनी के पास थे जिन्होंने बीस अप्रैल दो को इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में से साउंड ट्रैक के तौर पर ऑफिशियली यूट्यूब पर और उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ किया था अगर फिलहाल में गाने आपको ऑफिशियली सुनने हैं तो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो दूसरे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो बी मनिकंदन ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है एडिटिंग मयूरी सावंत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 144 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे 24 मिनट लंबी फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था वहीं पर म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर पूरा फिल्म का रवि बसुर ने किया हुआ है इसके अलावा सिंगल सिंगल गाने कई म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए जहाँ पर रवि बसुर हमेश रेशमिया साजिद खान सुखबीर पायल देव देवी श्री प्रसाद अमाल मलिक अमाल मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 132 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट था वो स्टूडियो के द्वारा करवाया गया था उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी अब कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया हुआ है यानी कि भाईजान का पूजा हेगड़े ने इस फिल्म में गुंडा मेनी भाग्य लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बालाकृष्णन की सिस्टर और भाईजान का लव इंटरेस्ट है वेंकटेश ने इस फिल्म में गुंडा मेनी बालाकृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है जो अन्ना का रोल था वो भी उन्होंने प्ले किया हुआ था जो भाग्या के एल्डर ब्रदर है भूमिका चावल आपको गुंडा मिनी आनंदिनी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो बाला कृष्णन की वाइफ का रोल और भाग्या की सिस्टर इन इंदो का रोल था जगपति बाबू ने कोडाती नागेश्वर का रोल प्ले किया हुआ है जो का बेटा था वहीं पे राघव जोहेल इसके रोल में दिखाई देंगे जो भाईजान के भाई का रोल था जेसी गिल ने भी मोह का रोल प्ले किया हुआ है वो भी भाईजान के एक भाई का ही रोल था सिद्धार्थ निगम ने लव का रोल प्ले किया हुआ है जो भाईजान के भाई का रोल है सेहनाज गिल ने इसमें सुकून का रोल प्ले किया हुआ है जो इसका क्या लव इंटरेस्ट थी वहीं पर पलक तिवारी ने मुस्कान का रोल प्ले किया नजर आई थी महावीर का रोल प्ले किया हुआ है, है सतीश कौशिक आपको नदीम चाचा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा आसिफ शेख ने डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है तेज सप्रो आपको इंस्पेक्टर के रोल में दिखाई देंगे अभिमन्यु सिंह ने त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरानी कोडा थी का रोल दिया गया था जो नागेश्वर के फादर का रोल था अमित तिवारी आपको कोड़े थे दिखाई देंगे सेकंड बेटा था। और का रोहिणी हतांगदी ने इसमें कुंडा मेनी पूा पंजी जली का रोल प्ले किया है जो बालाकृष्ण और लक्ष्मी के माँ का रोल है फराज शाम जी ने फोटोग्राफर का रोल प्ले किया वेडिंग फोटोग्राफर के रोल में दिखाई देंगे भाग्यश्री आपको स्पेशल अपीर देती हुई नजर आएगी एज भाग्या के तौर पे जो भाईजान का फॉर्मल लव इंटरेस्ट का रोल था अभिमन्यु मनु दस्तानी स्पेशल अपीर में दिखाई देंगे उनके अला, उनके अलावा फादर यानी कि हिमालय दस्तानी भी इस फिल्म में स्पेशल में दिखाई देंगे रामचरण एक हुआ है एज राम के तौर पर इसके अलावा यो हनी सिंह एक कैमियो अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे लेट्स गाने के लिए तो इस तरह से इस फिल्म के आर्टिस्ट ने इसमें अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी फिल्म के टीजर को करीबन पच्चीस जनवरी दो को पठान के फिल्म के साथ रिलीज के साथ रिलीज किया गया था ऑफिशियल ट्रेलर था उसको 10 अप्रैल 2023 को रिलीज किया टीजर ट्रेलर को एक पॉजिटिव साइड का रिस्पांस मिला था क्योंकि फिल्म फिल्म एक रीमेक थी उसके बावजूद था जो क्रिटिसिज्म पहले मिल रहा था। उसके बाद जब फिल्म के टीजर ट्रेलर आउट हुए तब काफी पॉजिटिव मिला हुआ था इस फिल्म को ईद के मौके के ऊपर रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इक्कीस अप्रैल दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म को थिएटर में जब रिलीज किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन मिले हुए थे जी स्टूडियो के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी करीबन फाइव फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्क्रीन वर्ल्ड वाइड लेवल पे फिल्म को मिली थी फोर हंड्रेड सॉरी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी कि फोर्टी फाइव था फोर्टी फाइव हंड्रेड जो, जो स्क्रीन्स थी वो इंडिया में मिली हुई थी ट्वेल्व हंड्रेड स्क्रीन थी ओवरसीज मार्केट में मिली हुई थी इस तरह से फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्क्रीन के साथ फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पर ईद के मौके के ऊपर इक्कीस अप्रैल दो हजार तेईस को थिएटर में रिलीज किया फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन सैंतीस हजार वोट मिले जिसमें छह पॉइंट छह की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म का एक मॉडरेट काइंड ऑफ बस था जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने करोड़ लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे दिन इस फिल्म ने एक अच्छा खासा जंप लिया था करीबन जितना जंप लिया था जहां पे सलमान खान के फैंस ईद के मौके के ऊपर सैटरडे के दिन इस फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दिलवाया पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन ये कलेक्शन और बड़ा सलमान खान की फैन फॉलोइंग के चलते छब्बीस करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने मंडे के दिन जो like uh... अच्छा एक ऐसा दिन माना जाता है उसके बाद पता चलता है कि फिल्म कहाँ तक जाएगी वहाँ पे भी इस फिल्म ने जो फ्राइडे का कलेक्शन था उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन किया पंद्रह सोलह करोड़ फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे मंडे के दिन फिल्म ने दस करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन छः करोड़ बारह लाख का वेनडे के दिन चार करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया थर्टे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का इसके साथ साथ इस फिल्म ने पहले वीकेंड में अड़सठ करोड़ सत्रह लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में बानवे करोड़ इक्कीस लाख का कलेक्शन किया दूसरे

पा इक्यावन करोड़ के आसपास का था इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का जो बजट था वो 132 करोड़ था तो ये बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे सलमान खान ने कोविड के बाद जो एक फिल्म रिलीज की उसके बाद में उनकी एक सक्सेसफुल फिल्म फिल्म कह है सकते हैं तो एक डिसेंट सक्सेस के साथ फिल्म रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पे चल गई उसके बाद में इस फिल्म के ओ टी टी जैसे कि मैंने कहा कि कई फिल्मों के सी के द्वारा ही खरीदे गए तो इस फिल्म के भी ओ टी राइड्स जी स्टूडियो के ही पास थे म्यूजिक ओटीटी टी सभी राइड्स सी के ही पास थे जहां पे फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आपने किसी का भाई किसी की जान फिल्म नहीं देखी और अगर देखना चाहते हो तो फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव एप के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में देख सकते हो तो और इसके अलावा सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी के ऊपर किसी का भाई किसी की जान फिल्म को आप आसानी से हिंदी वर्जन में प्रीमियर प्रीमियर होते हुए इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान ये फिल्म अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी सिनेमा जी सिनेमा आई डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिसियली ओटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो तो बस गाइज किसी का भाई किसी की जान फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म को किस तरह से ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है इसके अलावा फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है डीप रिव्यू किया हुआ है रिमेक और ओरिजिनल के बीच में बातचीत की हुई है आर्टिस्ट के के परफॉर्मेंसेस बारे में बातचीत की हुई है अलग अलग के ऊपर डीप में चर्चा की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू